है। वैसे तो इसके तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ। एक टॉपिक है हमारा बाउंड्री कंडीशंस, कंसेप्चुअल टॉपिक है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे अगर हम कहें कि दो मीडियम से हमारे पास एक मीडियम वन एयर ग्लास कोई किसी तरीके का और एक दूसरा मीडियम, ये दोनों मीडियम का मतलब ये दो अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक्स है, या दो अलग अलग मीडियम्स कह दो आप कुछ भी। बाउंड्री कंडीशंस ये कहती है कि जो इनका इंटरफेस होता है, मीडियम वन मीडियम टू का इंटरफेस, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये आपका बाउंड्री कंडीशंस के अंदर बताया जाता है। मतलब कि अगर मीडियम वन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एंगल पर, उसको ई वन मानते हैं और एट सम एंगल ऑफ थीटा वन, तो जब हमारा मीडियम चेंज होगा फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, तो क्या हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा, या जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेकंड साइड के मीडियम में भी सेम रहेगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम चेंज करने पर कंटिन्यूटी आती है कि डिसकंटिन्यूटी आती है, कुल मिलाकर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, क्या पढ़ना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के में चेंज क्या आता है। हाँ ठीक, और ये जो चेंज आप पढ़ोगे ये बेसिक है, फाउंडेशन है ये समझने के लिए कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है मीडियम बदलने का। बिकॉज लाइट फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, यानी कि लाइट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लाइट से तो हमको पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो अपने प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को बदल देती है ना। तो वहां से के बेसिक आइडिया तो लग रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जानी चाहिए। तो लाइट अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन ही है और कुछ नहीं है, उसमें साथ में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम इसके लिए क्या मान के चल रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द अदर साइड पे जाएगी, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2 होगा और उसका जो डायरेक्शन पार्ट है वो इस इंटरफेस के नॉर्मल लाइन के साथ, जो इंटरफेस की नॉर्मल लाइन है इसको कुछ कुछ लाइट से कंपेयर करना, इधर थीटा टू एंगल बन रहा और इधर एंगल थीटा वन बन रहा, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक से कुछ कंपेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है भाई। यस सर। ठीक, ये जो डॉटेड लाइन है वो इंटरफेस की नॉर्मल लाइन है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ट्रिक पे आ जाएगी, बड़े सब्जेक्टिव है। हम क्या करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम वन के अंदर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम टू के अंदर है, इनको डीकम्पोज करो, यानी कि रिजोल्व करिए इसको, और डीकम्पोज करेंगे दो डायरेक्शन में, एक इंटरफेस के पैरेलल और एक इंटरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल कह रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में, उसको E1N कह देते हैं, और एक कंपोनेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंट की तरफ, इसको E1T कह दे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा रिजॉल्व करने के बाद E2N, और एक पैरेलल डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट E2T। ये वैसे ये बता दो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट जेई या उससे आगे के मतलब ओलंपियाड्स वगैरह के लिए पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल किस चीज का, नॉर्मल इंटरफेस का। इंटरफेस क्या होता है, वो सरफेस जो दो मीडियम्स को डिवाइड कर रही है। उस इंटरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट में अगर हम बात करेंगे तो E1N और E2N, इनमें हमको चेक करना है डिफरेंस होता है या नहीं होता, और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में डिफरेंस होता है या नहीं होता है, ये दोनों चीजें चेक करनी है। टेंजेंशियल में तो नहीं होगा, क्यों सर? इसको वैसे रिलेट कर सकते हैं कि सर जो हम लोग जो उन्होंने फोर्स में जब नहीं पढ़ते थे सर, उसमें कि जो कोलिजन में होता है तो उसमें जिस डायरेक्शन फोर्स लगती है उस तरह से एक वो आइडिया ले सकते हैं शायद, कुछ अच्छा कर सकते हो। हाँ, न्यूटन ने भी यही काम किया था वैसे। न्यूटन, एक मिनट रुको यार, कुछ नेट इश्यू चल रहा, वीडियो शायद नहीं आ रही है ना। नहीं सर, आ रही है सर, चलो आ रही है, बहुत अच्छी बात।
न्यूटन ने भी इलेक्ट्रिसिटी में घुसने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फैराडे ने उनको घुसने नहीं दिया। देखो बच्चे, इसमें दो बातें, एक आप कंसेप्ट लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं कि ये इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर है, और अगर 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 हम ये जो इंटीग्रेशन करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर का, ये इंटीग्रेशन किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है आपको। अगर हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करें फॉर अ क्लोज लूप, ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया जा रहा है फॉर अ क्लोज लूप, यानी कि एक क्लोज लूप का एक क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस, और एक ये बेसिकली जीरो आई। तो ऐसे ही हो गया ना कि मतलब एक पॉइंट से चले क्लोज लूप में उसी पॉइंट पे वापस आ गए। अभी वीडियो अटक गया, सर वीडियो रुक गया, सर अब फ्रीज हो गया। बराबर हो गया ना? अब सही हो गया सर। देखो सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये थी कि इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर आप किसी क्लोज पाथ में कोई वर्क निकालोगे तो जीरो आना चाहिए, तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम इसको किसी क्लोज पाथ के लिए करें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए, और इसी को आगे किरचॉफ रूल के नाम से भी पढ़ा गया कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो होगी। वीडियो रुका हुआ है क्या आपका? फ्रीज हो गया। आई बात आ गया सर, बट थोड़ा थोड़ा ब्लर है। एक मिनट, तुम्हारी क्लास में होता है मिसो? सही है सर, ठीक है सर। चलिए करो जल्दी करें। अगर मैं इस इंटरफेस की, ये जो मेरा इंटरफेस है, इस इंटरफेस की लेफ्ट साइड पर इसके काफी क्लोज, इंटरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, बहुत क्लोज एक पैरेलल लाइन, और इंटरफेस के राइट साइड फिर से बोल दे रहा हूँ, हमने क्या किया ना, हमने एक क्लोज पाथ तैयार किया है, आपको शायद डायग्राम में छोटा दिख रहा होगा, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल जम रहा है, मैंने रेक्टेंगल उसमें जो ए बी है वो इंटरफेस के जस्ट लेफ्ट है, ठीक है? यस सर। यस सर। और जो सी डी है वो इंटरफेस के जस्ट राइट है। यस सर। ए बी इंटरफेस के जस्ट लेफ्ट है और सी डी इंटरफेस की जस्ट राइट साइड पे। ठीक है भाई? अब अगर मैं पूछूं कि ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब ए से बी निकालना होगा तो आप इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे ई डॉट डी आर का, और मान लेते हैं कि जो ए बी है वो बहुत छोटा सेगमेंट है, ए बी की जो लेंथ है वो सिर्फ डी आर, बहुत छोटा सेगमेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी? यहाँ पर एक इस तरफ कंपोनेंट है नॉर्मल डायरेक्शन सर, ई वन टी इसको लिखोगे E1t मल्टीप्लाइड बाय dl, अगर हम a से b जा रहे तो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड b टू c जाएगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना, b टू c, b और c इंटरफेस के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट साइड पर, इंटरफेस की जस्ट लेफ्ट साइड पर और जस्ट राइट साइड पर, मतलब ऑलमोस्ट कॉइंसाइड करने वाले पॉइंट्स हैं वो, ऑलमोस्ट कॉइंसाइड करने वाले लगभग, मतलब इनमें सेपरेशन नियरली जीरो सेपरेशन,
बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नियरली जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज बी, तभी मैं बार बार कह रहा था कि आप इसको इंटरफेस के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, मतलब इतना लेफ्ट और इतना राइट की ये डिस्टेंस जीरो मानी जा सके. या आरे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VC minus VD करें जल्दी से. C से D जब जाएंगे. C से D. तो हम E to T के अगेंस्ट जाएंगे. E to minus E to T into DL और सिमिलरली D to A जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो. अब जब हम इन सबको ऐड करें तो माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस जीरो हो जाए. सब जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ जाएगा. यही चीज कह रहा था, इसी को किरचॉफ रूल कहा गया है कि जब आप किसी क्लोज पाथ में चले जाओगे तो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है. और इस हिसाब से हमारे पास रिलेशन जो बनेगा ना, बिकॉज एलएचएस जीरो आएंगे तो रिलेशन ये बन जाएगा ई वन टी मस्ट बी इक्वल टू ई टू टी. ई वन टी इक्वल टू ई टू टी. दैट मीन्स कि जब मीडियम बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इंटरफेस के पैरेलल यानी कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर बिल्कुल सेम है. नॉर्मल कंपोनेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसके बारे में श्योर हो चुके हैं कि ये वाला कंपोनेंट जो नहीं चेंज हो रहा है, नॉट नॉर्मल कंपोनेंट. जबकि हमको एक बड़ा क्लियर ऑब्वियस फैक्ट पता है कि दोनों मीडियम्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये 100% श्योर है. सर अगर इवन दोनों टेंजेंशियल नहीं बदले नॉर्मल तो बदलना ही पड़ेगा, उन्हें डायरेक्शन बदले ही क्या सर? क्योंकि डायरेक्शन बदलना है, क्योंकि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलती, मान लेते एक बार ये भी आता है कि नेट, देखिए उसका लॉजिक भी दे सकते हैं, नॉर्मल वाला क्यों बदलेगा. नॉर्मल कंपोनेंट के लिए ये देखो, इंटरफेस की लेफ्ट और राइट साइड पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली, इंटरफेस के लेफ्ट और राइट साइड पर एक बहुत छोटी लेंथ का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. पिछले क्लास में ये बताया जा चुका है कि जो डाइइलेक्ट्रिक की सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर इंड्यूस चार्जेस होते हैं. Yes, और ये दो डाइइलेक्ट्रिक्स का कॉमन इंटरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर कुछ चार्जेस 100% इंड्यूस होंगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे इनके. यस सर. यस सर. आप सुनो, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, इसकी लेफ्ट सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वन का नॉर्मल कंपोनेंट है उसकी वजह से एक नेगेटिव फ्लक्स आएगा बिकॉज ये इसके अंदर एंटर हो रहा है, और राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड टू के नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से एक पॉजिटिव फ्लक्स आएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बाहर निकल रही है. तो ई टू एन माइनस ई वन एन मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया डेल्टा ई, ये फ्लक्स बना इसका. यस यस सर. यस सर. एंड शुड बी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के हिसाब से. यस सर. अब अगर तो इस इंटरफेस पर चार्ज नहीं है, अगर इस इंटरफेस पे चार्ज नहीं है फिर तो ये दोनों बराबर है. लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि दो डिफरेंट मीडियम से इंटरफेस पर चार्ज ना हो, ये पॉसिबल नहीं है. इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, सही है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है. मान लेते हैं एक तरफ आपका HCl के मॉलिक्यूल्स है और दूसरी तरफ हमारे किसी और एटम के मॉलिक्यूल है HBr के, मान लेते हैं दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल से. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये अलाइनमेंट कर लेते हैं अपना. तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में है, मान ले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में, तो ये सब उसके साथ अलाइन कर जाएगी. सी एल एच और यहाँ पर बी आर और एच. अब क्या होगा कि जो एच है उस पर तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बी आर पे कुछ नेगेटिव है, सी एल पे नेगेटिव है और एच पे पॉजिटिव है. क्या एच सी एल का पॉजिटिव चार्ज और बी एच बी आर का नेगेटिव चार्ज सेम इंटेंसिटी के होंगे, सेम वैल्यू के होंगे? नो सर. नो सर. इसका मतलब इंटरफेस पर इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ चार्ज बचेगा
और अगर इस इंटरफेस पर कुछ चार्ज डेंसिटी होगी तो इसके अंदर कुछ चार्ज भी आएगा, यानी राइट हैंड साइड जीरो नहीं आ रहा, और राइट हैंड साइड जीरो नहीं आ रहा इसका मतलब कि E2N और E1N बराबर नहीं आ सकते, ठीक? यस सर, ठीक है सर। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, मैकेनिक्स से उन्होंने कंपेयर किया अच्छा है, बिकॉज मैकेनिक्स में भी ऐसा ही होता था कि जब हम ऑब्लिक कोलिजन पढ़ते थे तो यही कहते थे कि जो वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट है वो बदलता है, टेंजेंशियल नहीं बदलता अगर वो फ्रिक्शन के सरफेस पे है तो, yes. ठीक है, है ना? और इसी को बेस बनाया था न्यूटन ने, बिकॉज न्यूटन तो पार्टिकल्स के बारे में जानते थे सब कुछ, तो उनको हर जगह पार्टिकल थ्योरी दिखती थी। अब हम इन कंसेप्ट को यूज करेंगे, ध्यान रखना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी उल्टा बोल दिया, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा और नॉर्मल भी आएगा। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे, सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले, दोनों तरफ की जो प्लेट्स हैं ये हमारी पॉजिटिव वाली प्लेट यानी बैटरी के प्लस टर्मिनल पे जाएगी और ये नेगेटिव वाली प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी, और इनके बीच में हमने एक डाइइलेक्ट्रिक फिल किया है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली फिल ना करके आपने क्या किया, थोड़े से पोर्शन में डाइइलेक्ट्रिक फिल किया, जो ऊपर का पोर्शन है इसका, मान लीजिए यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक है अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में जो है इसका वो अभी भी एयर, ऊपर डाइइलेक्ट्रिक नीचे एयर, जितना जो डाइइलेक्ट्रिक है वो प्लेट के, जो डाइइलेक्ट्रिक है वो प्लेट का ए अपॉन थ्री एरिया कवर कर रहा है, और जो एयर है वो उस प्लेट का 2a अपॉन 3 एरिया कवर कर रहा है, प्लेट सेपरेशन है स्मॉल d। क्वेश्चन पूछे इसकी कैपेसिटेंस बता दो, जो कि बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और मान लो इसमें बैटरी कनेक्टेड है, बट तो वैसे तो क्वेश्चन इसके इसमें ये आता है कि सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या बनेगी, है ना, जिसमें थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक है थोड़ा सा एयर है, इसको वैसे जब करना होगा ना तो सीरीज और पैरेलल के मेथड से करेंगे, बट फिलहाल के लिए क्या करोगे फिलहाल के लिए ध्यान देना, ये आपके कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन डी है, अपर पार्ट डाइइलेक्ट्रिक से फिल, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा और फिर ऐड करके, वो तो कर लेंगे उससे बिल्कुल सही, बट मैं थोड़ा सा उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डाइइलेक्ट्रिक E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एयर E2, ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक। मैं बता, कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन बाद में कर लेना, उसका बहुत छोटा मेथड है, बट ये जो आर्ग्यूमेंट्स वाले पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डाइइलेक्ट्रिक पार्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एयर पार्ट, सेम इंटेंसिटी है या डिफरेंट इंटेंसिटी? डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। अब लगाओ जरा, अभी जो पढ़ा था हमने, दो मीडियम्स हैं, ये दो अलग अलग मीडियम्स हैं, ये इंटरफेस है, इंटरफेस विच डिवाइड्स अ डाइइलेक्ट्रिक एंड एयर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस के पैरेलल है या इंटरफेस के परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पोर्शन सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस लोअर पोर्शन, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं भाई, सिर्फ कैपेसिटेंस ही नहीं निकालने पता है। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। और क्या चीज, ये बच्चा अभी बताया तो था आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला लॉजिक, अभी तो आप ही को आंसर कर रहे थे, ये जो E1 E2 तो टेंजेंशियल पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों ही मीडियम्स में सेम होना चाहिए, और ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है ये इस इंटरफेस यानी कि वो लाइन जो दोनों मीडियम्स को डिवाइड कर रही है उसी के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इंटरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस नहीं आता सर। इसके पीछे आर्गुमेंट अभी आपको पोटेंशियल का समझाया, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर
सर वो पोटेंशियल मेंटेन रखना है दोनों बैटरी को। हाँ, ये राइट, ये पूरा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए, और इधर भी एक कंडक्टर है इसके भी सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस अपर पार्ट ऑफ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द लोअर पार्ट ऑफ कंडक्टर जीरो। यहाँ का मतलब जितना एरिया डाइइलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में है और इधर का जितना एरिया डाइइलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में है, इन दो एरियाज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो एरिया जो सेम है ना, यहाँ यहाँ सेम पोटेंशियल और यहाँ यहाँ सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल इसलिए क्योंकि ये कंडक्टर है पूरा, ये तो v के बराबर। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाय द फॉर्मूला v1 - v2 बराबर इंटीग्रल e डॉट dr, तो अगर आपको सेम डिस्टेंस के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, जितना स्पेस यहाँ से यहाँ है उतना ही स्पेस यहाँ से यहाँ है, नहीं समझता है? अगर आपको सेम डिस्टेंस के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। ठीक, पहला पार्ट हो गया। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है इस पर कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू, और इस कंडक्टर पर कुछ माइनस क्यू चार्ज होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस आएंगे इनके ऊपर। ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा इस कंडक्टिंग सर्फेस पर इस कंडक्टर की प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब उसकी कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी ए अपॉन थ्री एरिया पर, बिकॉज ए अपॉन थ्री एरिया कंडक्टिंग प्लेट का ऐसा एरिया है जो डाइइलेक्ट्रिक के टच में है, और टू ए अपॉन थ्री एरिया ऐसा है जो डाइइलेक्ट्रिक के टच में नहीं है, एयर के टच में है। तो जितना एरिया डाइइलेक्ट्रिक के टच में है वहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन, और जितना एरिया एयर के टच में है वहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू। क्या ये चार्ज डेंसिटीज बराबर आएंगी? और क्या रिलेशन बनेगा सिग्मा वन सिग्मा टू में, तो रिकॉल करते देखिए, अगर यहाँ पर डेंसिटी सिग्मा वन है तो सामने माइनस सिग्मा वन होगी, इधर सिग्मा वन इधर माइनस सिग्मा वन, इधर इधर सिग्मा टू इधर माइनस सिग्मा टू। तो आप जरा एयर वाले पोर्शन में जाओ, एयर वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव डेंसिटी और एक नेगेटिव डेंसिटी की सरफेसेस पैरेलल रखी जाए तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस ये बनेगी, ये तो बनेगी अब, यस सर, यस सर। बट ये फ्री स्पेस में, तो ये फ्री स्पेस ही है, और ऊपर अगर आप सिग्मा वन कह रहे हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर थोड़ा सा केयर करो, पिछली क्लास में ये कहा गया था कि जब डाइइलेक्ट्रिक आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से रिड्यूस कर जाती है, यस सर, यस सर। यहाँ पर अपॉन के भी रखना होगा आपको, ये थोड़ा समझना, क्योंकि अभी तक जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई गई थी वो फ्री स्पेस में पढ़ाई गई थी, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें वन अपॉन के का टर्म आता है, डेफिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बताया था सर। सर लेकिन उसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड थी यहाँ पे, तो हाँ सर, बैटरी डिस्कनेक्ट से क्या मतलब, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो डेफिनेशन एक ही होगी ना भाई। अच्छा हाँ ये सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के, और वैसे आप लोग को बता दूं अगर आपको इतना डिटेल में जैसे किसी को भी नहीं समझ आ रहा तो आप एक चीज याद कर ले भाई, जहां जहां डाइइलेक्ट्रिक आ जाए वहां एप्सिलॉन के साथ में के मल्टीप्लाई करने की आदत डाल दें, ऐसे भी याद रखते लोग, एप्सिलॉन के साथ के मल्टीप्लाई करते जाइए, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या रिजल्ट होने वाला है वो आ जाएगा, और ये दोनों बराबर है, एंड दैट मीन्स कि सिग्मा वन और सिग्मा टू का जो रिलेशन है वो ये है कि सिग्मा वन बराबर के टाइम्स ऑफ सिग्मा टू। जिनको भी ये कंफ्यूजन है वो एक बार फिर से देखो, बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है उससे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डेफिनेशन पे कहां फर्क पड़ रहा है भाई, हमने एक प्रॉब्लम भी कराई थी जिसमें इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट करवाया था,
अभी मैं फिर समझा दूंगा, एक थोड़ा सा रुको, फिर समझा देते इसको, इसको और अच्छे समझा देते। फिलहाल तो ये आंसर आ रहा है अभी, चार डेंसिटीज का। और चार डेंसिटी देखिए इसका मतलब कितना चार्ज यहाँ पर होगा, अगर इस पोर्शन पे चार्ज कैलकुलेट करना और यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना वो निकाल सकते हो, सिग्मा पता तो एरिया से मल्टीप्लाई करके चार्ज भी आ जाएगा। यस सर, आ जाए। और ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, सुनना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक और तरीके से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाले मेथड से। पोटेंशियल डिफरेंस V है, सेपरेशन D है, तो हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन तो कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड dV by dr, इलेक्ट्रिक फील्ड dV by dr, यानी ये वैल्यूज V अपॉन dV है। आ रहा है बात समझ में? यानी कि नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, मैं उस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के डेप्थ में भी कोई चला जाए ना तो भी हम आंसर दे पाए उसका। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में क्या होता है कि आपका जो एनालिसिस पार्ट है वो स्किप हो जाता है और सीधा आंसर आ जाता है। इससे हमें चार्ज डेंसिटीज मिल जाएंगी, यहाँ की चार्ज डेंसिटी, यहाँ की चार्ज डेंसिटी, और जब चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या चार्ज होगा और यहाँ पर क्या चार्ज होगा, यानी कि हम टोटल चार्ज प्लेट पर निकाल सकते हैं, और टोटल चार्ज ऑन द प्लेट विल बी सिग्मा वन, कितने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेंसिटी, कितने एरिया, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, प्लस सिग्मा टू इंटू टू ए बाई थ्री। सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू रखो, सिग्मा वन की वैल्यू रखेंगे के एप्सिलॉन वी बाई डी, और सिग्मा टू साथ में ए बाई थ्री और है, ए बाई थ्री को बाद में कॉमन कर लेंगे, प्लस सिग्मा टू की वैल्यू रखी और वहां पर टू भी ऊपर, टू एप्सिलॉन अपॉन वी बाई डी और ए बाई थ्री कॉमन लेंगे, और क्यू बाई वी निकालो, क्यू बाई वी तो बाई डेफिनेशन कैपेसिटेंस है हमारी। Yes, Q by V, मतलब मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ आपको पूरी, और ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका K epsilon A upon 3 divided by D plus epsilon 2 A by 3 upon D। Sir, A epsilon और D कॉमन निकाल सकते? नहीं नहीं, जानबूझ के इस फॉर्म में रखा है, इस फॉर्म में जानबूझ करके रखा हुआ है, पैरेलल का रिजल्ट है। हाँ, ये बेसिकली आपका एक कैपेसिटेंस हो गया और ये दूसरा कैपेसिटेंस हो गया। ध्यान करिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये कैपेसिटेंस ऑफ एयर पोर्शन है, जो एयर वाला पोर्शन है उसकी कैपेसिटेंस, एयर और एक डाइइलेक्ट्रिक, और ये कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन की है, क्योंकि ये तो आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो डाइइलेक्ट्रिक का पार्ट आता है उसमें कैपेसिटेंस में के मल्टीप्लाई करना होता है। यस यस सर, तो आप इतने पोर्शन को एक अलग कैपेसिटेंस मान लें और इतने पोर्शन को एक अलग कैपेसिटेंस मान लें, और अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ये किस टाइप के कॉम्बिनेशन में लेने होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको ऑब्जेक्टिव बना ले, अब इसको ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, ये उसका पूरा डेरिवेशन था। इसके आगे से क्या करेंगे, इस टाइप के केसेस जब भी आएंगे और कैपेसिटेंस निकालने का क्वेश्चन आएगा अगर, तो हम डाइइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइइलेक्ट्रिक वाले पोर्शंस को, डाइइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइइलेक्ट्रिक्स को दो डिफरेंट कैपेसिटेंस मान करके सीरीज और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन मेथड में जाकर के और आंसर ले आएंगे कैपेसिटेंस का। सर सर, वो जो आपने बताया था स्टार्टिंग में कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम मानेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट का, माने या नहीं, वो है, मान नहीं रहे, वो है। हां सर, वो मतलब सर है सर, उसका भी एक रीजन तो बता दीजिए, वो लिख नहीं पाया था, बैटरी। अरे भाई नहीं सुन पाए थे कि नहीं, पहले ये बताओ सर, थोड़ा अनक्लियर वॉइस आ रही थी ना सर। ओ भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल वाले हैं, टॉप टू बॉटम हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल, इधर भी टॉप टू बॉटम हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइइलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर वो सेम मिलेगा आपको। अच्छा सर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से बता रहे हैं? हाँ, ये तब ना आ गया सर, उधर तब सुनाई नहीं दिया, सॉरी। अब सुनाई दिया? यस सर।
सर सर इसमें सर एक चीज डाउट हो रही है कि सर ये E1 और E2 जो है तो सर ये हम लोग के इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ उन प्लेट्स की है कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट नेट तो सर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं फिर भी हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो प्लेट वाला लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ लगा रहे हैं प्लेट वाला मास्टर प्लेट वाला कहाँ लगा उसको कैसे डिवाइड करके नेट ही तो निकालो एक मिनट आप याद करिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कैपिटल पी नेट ही निकालो उसको कैसे डिवाइड करके तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अपॉन के और यहाँ एक्सटर्नल मतलब प्लेट तो ये जो सिग्मा 1 / एप्सिलॉन नॉट है ये प्लेट की वजह से क्योंकि हम नेट कह रहे हैं तो अपॉन के किया हुआ है अच्छा नहीं नहीं सर वो मैं कंफ्यूज हूं सर इसमें अगर बैटरी लगाएंगे तो सर तो ई नेट तो हमारा सेम ही रहता है ना ये मैं पूछ रहा था सर वो आपने जो दो केसेस बताए थे सर उसमें कंफ्यूजन हो रही है हां सर सर उसमें दूसरे वाले में सर लिखा हुआ था जो सर वो तो अलग ही चीज था यार वो पूरे वो एक अलग उसमें सर पूरा फील्ड था सर डाइलेक्ट्रिक वो अलग है सर एकदम डाइलेक्ट्रिक पूरे भरा हुआ है ये पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के केसेस आ जाते सर आप थोड़ा डाइलेक्ट्रिक है थोड़ा नहीं है बेसिक ध्यान रखना बैटरी वोल्टेज उतना मेंटेन करें बेसिक डेफिनेशन यूज हो रही है देखिए मुझे इसमें मैं बता मैं चाहता तो इसको मुश्किल से 10 मतलब 5 2 मिनट के अंदर 2 मिनट में आपको निकाल देता कि ये दो कैपेसिटर पैरेलल में मान लेना ये बोल करके मैं अपनी कहानी खत्म कर देता लॉजिक ही नहीं बनता क्या क्या वजह है कि हम इसको और इसको दो अलग अलग कैपेसिटर मान लें वो उसके उसकी उसको रीजन समझाने में मैं खुद ही फंस गया कि यार फालतू में ये चक्कर ले लिया पंगा ले लिया बट जरूरी है आप 2014 एडवांस का पेपर उठाइए और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पे और ऐसा नहीं है कि उसके आने के बाद पढ़ा रहा हूँ मैं 2014 के उससे पहले भी इस टॉपिक को पढ़ाया था मैंने और तब भी ये पेपर में आया था क्योंकि भाई देखो जेई वाले को भी पता है उनको पता है कि हर बच्चे को ये चीज पता है तो वो इससे कुछ नया ढूंढेंगे उसमें सबसे जो मेजर बात है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि डाई इलेक्ट्रिक और बिना डाई इलेक्ट्रिक वाले स्पेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस होता है कि भाई पता नहीं कैसा मिसकंसेप्शन बना हुआ है तो थ्योरी जो इसके पीछे थी वो बाउंड्री कंडीशन वाली थी आपको ये देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर एक मिनट इंटरफेस के मतलब इंटरफेस के पैरेलल है या इंटरफेस से नॉर्मल है अच्छा एक मिनट यानी कि जब आपके सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे हैं आपके सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स और किस वजह से सिमिलर है वो भी बता रहा हूँ आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर होने के दो एक्सप्लेनेशन है एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल टू द इंटरफेस और ये एक जनरलाइज लॉ है इंटरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड्स में फर्क नहीं आना चाहिए जनरलाइज लॉ है क्योंकि इसको डिराइव किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस वाले लॉजिक से और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम होने का आप यहां पर बोल सकते हो एसर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल डिफरेंस इन द अपर पोर्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द लोअर पोर्शन इज सिमिलर एंड सेपरेशन इन द अपर पार्ट एंड सेपरेशन इन द लोअर पार्ट वो भी सिमिलर है तो सिमिलर सेपरेशन पे सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर होनी चाहिए अब बताओ क्या डाउट है नहीं नहीं सर मतलब अपने आप सोच लिया सर ये पार्ट समझ में आया आपको कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ यहाँ पर अलग अलग आएगी टोटल चार्ज निकाल लिया हमने अब हम रिवर्स मेथड पे चले जाएंगे आगे से जब ये क्वेश्चन आएगा और कैपेसिटेंस पूछी जाएगी तो हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे जितना पार्ट कैपेसिटर से फिल किया गया है उसको एक कैपेसिटेंस और जितना पार्ट कैपेसिटर के बिना है सॉरी डाइलेक्ट्रिक के बिना है उसको दूसरा कैपेसिटर मान लेंगे और कम्बिनेशन पैरेलल वाला यूज करेंगे C1 + C2 करके आंसर ले आएंगे ठीक ये हम मेथड बता रहे हैं आपको और ये फॉर एग्जाम्पल इसी का एक और पार्ट बता रहे हैं इसी का एक और पार्ट बता कैपेसिटर ले इस तरीके से और
बैटरी से कनेक्ट कर दें उसको वी से, पोटेंशियल डिफरेंस है डी से, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, नहीं लग रहा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लूज ज्यादा हो गई है। दो डाइलेक्ट्रिक का भी केस तुम लोगों ने देखा होगा अपने बुक्स में कि एक ऊपर K1 कर दे, नीचे K2 कर दे, K1 K2, ये वाला एरिया A by 2 और नीचे वाला एरिया भी A by 2 होगा, तो कैपेसिटेंस क्या बनेगी? अगेन दोनों पैरेलल में होगा, अलग अलग निकाल लेंगे। हाँ यस, देखा है, देखा इस टाइप का क्वेश्चन दिखा अभी तक या नहीं दिखा तुम लोग को कहीं? यस सर दिखा, HCV वगैरह में दिखा होगा मतलब यार। इनको कैसे डील करना है? जो जितना पोर्शन आपने K1 डाइलेक्ट्रिक में डाला हुआ है, मतलब ये पोर्शन है, इसको आप एक कैपेसिटर के तरीके से देखो C1, और जो पोर्शन आपका K2 डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में है इसको एक कैपेसिटर C2 के फॉर्म में देखिए, और नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे यहाँ पर C1 + C2। C1 क्या है? बेसिक फॉर्मूला A/2 एरिया एप्सिलॉन, बट क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो K1 by D। C2 क्या है? उसका भी A/2 एरिया है एप्सिलॉन, उसमें भी डाइलेक्ट्रिक है K2/D। ये से कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको उतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं थी, वो तो एक लाइन का पार्ट है मुश्किल से। ठीक है? कैपेसिटर्स निकालने वाला पोर्शन जो था, ठीक। बट इसमें भी मैं फिर बोलूंगा इनडेप्थ नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे। हाँ वो बराबर होंगे, उसका लॉजिक है, उसके पीछे का लॉजिक है। यस सर, वही बाउंड्री कंडीशन से बाउंड्री कंडीशंस या सेम पोटेंशियल यस सर। हां, और दोनों वी बाय डी है, ये भी बात सही है। E1 भी वी बाय डी है और E2 भी वी बाय डी है। यस यस सर। और सर वो सिग्मा दोनों के K1 बाय K2 के रेशियो में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये NSEP वगैरह में पूछ सकते हैं, KVP वाइज एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, मतलब उस टाइप। ये लोग क्या करते हैं ना, रिसर्च करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सर JEE के सिलेबस में एज सच लिखा होता है कि बाउंड्री कंडीशन नाम का कुछ चीज है? भाई ये क्वेश्चन आ चुका है 14 में ना, इसलिए बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। ऐसे नहीं, देखो ये क्वेश्चन तो है ये सिलेबस में, HCV आज की थोड़ी है, 20 साल पुरानी किताब है, उसमें ये क्वेश्चन तो है ना। तो जब किसी ने भी हमको मान लो ये बताया कि यार ये दो पैरेलल में है, तो हमको पूछना चाहिए ना उनसे यार कि क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, जैसे क्योंकि सेम पोटेंशियल से है बेटर दोनों। यही तो अभी आप लोग कह रहे हो ना कि हमको सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। और एक और काम करो, इसमें ये जो प्लेट्स है तीसरा केस, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, आप में से किसी एक ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑफर भी है, जिनको स्पीड ज्यादा लग रही हो ना इस बैच में, वो अपना बैच चेंज कर सकते हो। आप उधर वाले बैच में चले जाओ, बहुत आराम से चलता उधर। टॉपिक यही से पढ़ाएंगे, लेकिन उनका दर्द समझ करके पढ़ाते हैं, और यहाँ पर किसी को दर्द हो चाहे ना हो उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, इसके बॉटम एज को y = 0 मानते हैं और टॉप एज को y = L मानते हैं। इसका मतलब कि इनकी लेंथ L है, प्लेट्स की जो लेंथ है वो L है। और ये वाली डायमेंशन जो है, जो सेकंड डायमेंशन है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स है तो इधर वाली L है और ये वाली डायमेंशन B है। ये सेपरेशन है, D है, कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। और जो डायलेक्ट्रिक फिल किया गया है वो एक वेरिएबल डायलेक्ट्रिक है, जो कि किसी तरीके से y के फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है। मतलब जब यहाँ से आप y डिस्टेंस ऊपर बढ़ोगे तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उस y का फंक्शन है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यस सर। भी डायलेक्ट्रिक, कंप्लीट डायलेक्ट्रिक है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक नहीं है। ऐसा डायलेक्ट्रिक जो जिसका कांस्टेंट यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ, मतलब जैसे जैसे वाई चेंज होगा वैसे वैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा, वो फंक्शन डिस्क्लोज भी करेगी। पहली बात, एक और क्वेश्चन आता है इसकी कैपेसिटेंस निकालने का, बट अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो क्या इसके लिए कुछ सोच रहा है आपको? कांस्टेंट ही रहेगी।
अब अगर ये एग्जाम में आ रहे हो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है कि फंक्शन मतलब कैलकुलस, यही होता है दिमाग में सबके। अब अगर ये कहा जाए कि बॉटम से वाई डिस्टेंस ऊपर, बॉटम से वाई डिस्टेंस ऊपर प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे डाइलेक्ट्रिक में होगी ना। यस सर, सरफेस से वाई डिस्टेंस ऊपर अगर डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, यस सर, तो सिग्मा कंपेयर करके निकाल लेंगे सर। हां, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, नहीं सर वो डिवाइडेड बाय, वो भी करेंगे के से उसका डाइलेक्ट्रिक बाय के। ये बात समझ में आ रही है यार, सिग्मा एट वाई डिस्टेंस वाला कांसेप्ट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये जो के डिवाइड हो रहा है ये समझ में आ रहा है डाइलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी डिस्टेंस ऑफ वाई। ये फालतू का डर है कि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलस लगने वाली लगेगी कैलकुलस, लेकिन लिमिटेड। तो सर, सर एक बात बताइए, हम कौन से एरिया के ऊपर निकाल रहे हैं, मतलब ओवर विच एरिया आर वी कैलकुलेटिंग दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एट 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया व्हिच इज प्रेजेंट एट अ वाई डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आप 1 मीटर स्क्वायर पे कितने कूलम्ब चार्ज है ये तो निकाल रहे हो। तो हमने बॉटम से y डिस्टेंस ऊपर एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर किया हुआ है। तो उस एरिया में हालांकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि बॉटम से y डिस्टेंस ऊपर हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया रखा हुआ है, बहुत छोटा सा एरिया, उस पर dq चार्ज होगा और उसका एरिया dA होगा, तो dq / dA निकाल रहे हैं। यस सर, ये कर रहे हैं, मतलब उस एरिया में हम लोग k को कांस्टेंट रख रहे हैं, वेरी नहीं करा रहे। यहाँ तक आगे बढ़े थे। yes, sir. मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली। अब अगर मैं मुझे ये पता करना हो कि इस प्लेट पर टोटल कितना चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट, फिर उस सिग्मा को इंटीग्रेट। यस सर, सिग्मा पूरे प्लेट पर, सिग्मा इस पूरे प्लेट पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम डायरेक्टली एरिया नहीं मल्टीप्लाई कर सकते इसके अंदर। यस सर, क्या मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक डिफरेंशियल एरिया, सर डिवाइड टू बी इंटीग्रेट, मतलब चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डीए लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिग्मा वेरिएबल है यहां पर। डीए को डिवाइड इनटू एल लिख देंगे। हां, अब डिफरेंशियल एरिया, तो डिफरेंशियल एरिया जो चूज करेंगे वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के फॉर्म में चूज करेंगे इस तरीके से, डिवाइड और ये बी होगा, ये हमारा डिफरेंशियल एरिया बनेगा। कितना होगा ये वाला एरिया जिसको डीवाई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर ले वाई को जीरो से लेकर के एल तक, चार्ज मिल जाएगा। अब के ध्यान रखना, के बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज के जो है ना, के लिखा जरूर है यहाँ पर, बट के एक्चुअली में वाई का फंक्शन है, फंक्शन है वाई का, वो भी आएगा, बाहर बाहर नहीं आ पाएगा, आ जाएगा। यस, है ना, कोई फंक्शन होगा, आप जैसा भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाए उस हिसाब से यहाँ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो भी कुछ आंसर आ जाए। एज एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो एक फंक्शन आपको दे रहे के नॉट वाई अपॉन एल, मान लेते हैं एज एग्जाम्पल ले लो आप इस फंक्शन, और बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है इसके हिसाब से, क्यों कितना आ रहा है एक्चुअली। इसमें जानते हो क्या दो तीन फायदे हैं, क्यों निकला, क्यों निकल जाएगा ना ऐसे। यस सर, यस सर, और इधर से v है, इसे v को नीचे ले जाओ, q / v कर देना, बस कंसिस्टेंस आ जाएगी। के नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहां से v निकाल ही दे रहे हैं, इस v को यहां लेके जाओ, कैपेसिटेंस भी आ गई। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। यस सर, कर लो आगे,
फंक्शन भी दे दिया k नॉट और y बाय l, k नॉट और l कांस्टेंट है इधर रख लो k नॉट, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा y बाय l का। यस सर। और एक एक तो ये तरीका है जो काफी डिटेल्ड मेथड है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ डिटेल्ड मेथड, बट अगर सिर्फ कैपेसिटेंस ही पूछी गई थी, मान लो और कुछ पूछा ही नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना डेंसिटी पूछी है, पूछा ही सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो इतनी राम कथा करने की कोई जरूरत नहीं आपको, फिर तो आपका आंसर बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे उस केस में, मान लो सिर्फ कैपेसिटेंस में हमारा इंटरेस्ट है, बाकी कुछ कोई वही dy मतलब dy लेंथ का वो डाइइलेक्ट्रिक ले लेंगे, उसका जनरल वो लिख देंगे कैपेसिटेंस और इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, क्योंकि ऐड हो रहा है। बिल्कुल, बाकी लोग सुन ले भाई क्या करना चाहिए, अगर इसके बीच में जैसे कि डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक डाइइलेक्ट्रिक भरा गया जो वाई के फंक्शन पे दिया जा रहा है, अगर हमें सिर्फ कैपेसिटेंस निकालनी है तो एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, छोटा मेथड, आप लेफ्ट प्लेट पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रखें और राइट प्लेट के ऊपर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रखें, मतलब एक तरीके से इसमें से एक स्लाइस कट कर रहे। यस सर, सब इन सबका से बहुत से डाइइलेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन। हाँ, मतलब आप इसके अंदर से एक एक स्लाइस निकाल दो और इसे स्लाइस की कैपेसिटेंस लाओ, स्लाइस की कैपेसिटेंस उसको डीसी मान लेते, कितना लिख सकते हैं डीसी कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्लाइस, तो ये स्लाइस कितने एरिया की बनेगी, सेम मेथड मेथड भाई है। अगर आप यहाँ वाई डिस्टेंस पे जाओ हाँ, और ये डी वाई होगा, तो इधर कितना एरिया बनेगा इस साइड पर, बी एरिया इनटू एप्सिलॉन, एरिया इनटू एप्सिलॉन, और क्योंकि क्योंकि ये एक डाइइलेक्ट्रिक स्लाइस है, नहीं अभी तो के भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, डाइइलेक्ट्रिक है इसमें, यस सर, एल में के मल्टीप्लाई करो अपॉन डी, और ऐसी बहुत सारी स्लाइस बन जाएंगी इसके अंदर, इस पूरे डाइइलेक्ट्रिक को कई सारी स्लाइसेस में डिवाइड कर लो, यस सर, और नेट कैपेसिटेंस इसके इंटीग्रेशन से भी आ जाएगी, उसमें भी सेम काम होगा, वाई इंटीग्रेट होगा जीरो से एल, ये वही एक्सप्रेशन बन रहा जो पीछे बना हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. हमारा फंक्शन है यहाँ पर जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये सब कुछ डिपेंड करता है भाई आपके लिए कि हमारा क्वेश्चन किस लेवल पर जा रहा है और उस हिसाब से वर्किंग करनी पड़ती है। जो लोग कल के लेक्चर से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कल के लेक्चर में बैक क्लियर कर दूं, मैंने पढ़ाते समय भी कहा था कि जो हम कैपेसिटेंस को के से मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट लगाते हैं उसमें बार बार मैंने एक वर्ड रिपीट किया था कि डाइइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली फिल होना चाहिए, आप लोगों ने उस वर्ड को शायद सुना ही नहीं होगा। यस सर, सारा केस वैसे ही सॉल्व किया था। यस, लिखा भी था उसमें कि व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक इज फिल्ड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स, थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ए है और बाकी एयर है, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है, आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है इसमें, सीरीज में इस बार नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। ये डिस्टेंस मान लो d by 3 है और ये डिस्टेंस आपका 2d by 3 है, अब इसमें कैपेसिटेंस निकालनी या और भी चीजें पूछी जा सकती है कैपेसिटेंस के अलावा भी। सर, दो कैपेसिटर का सीरीज लेके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करें, वही करेंगे, बट उसके पहले मैं जो प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस की, जो नए क्वेश्चंस इनके अंदर बनने के चांसेस हो सकते हैं वो बता रहा हूं। फील्ड ऑफ चार्ज डेंसिटी, हां, इस डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E2, क्या ये सेम होंगे? ये इंटरफेस है। नो सर, नो सर, नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंटरफेस है, यही है। हां, ये बोल रहा था कि इसके लिए किसी मैथ में जाने की क्या जरूरत है, ये प्रूव कर रहे के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है या नहीं है, हमें मैथ की जरूरत थोड़ी है, ये तो फिजिक्स से बता सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इंटरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ सेम नहीं आ सकती,
तो ये कितनी होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 100% श्योर हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इज नॉट इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू। यानी इस बार यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन होंगे, ठीक है? यस सर। ठीक यस सर। इनफैक्ट क्या होंगे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यूज क्या होंगी? अगर इस प्लेट के ऊपर Q चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर माइनस Q चार्ज है, तो ये दोनों प्लेट्स मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगी, तो E1 तो हो जाएगा सर आपका Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक, सही बोल। बाकी लोग सुनिए, अगर मान लो यहाँ डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता, मान लीजिए यहाँ भी एयर होती, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कंप्लीट एयर होती? टू नहीं आता भाई, टू नहीं आता कैपेसिटर के अंदर, टू नहीं आता उसमें नीचे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती इन द एब्सेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, बट पहले वाले में है। और सुनो, कल एक बात और कही थी आपसे, और सर उसका जो ई टू हो जाएगा वो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। हाँ, एक बात कही थी कि अगर आपका डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के फॉर्म में है और बहुत बड़ा स्लैब है तो उसे डाइइलेक्ट्रिक के बाहर में कोई अंदर ही नहीं होती, बाहर नहीं होती, इसके पोलराइजेशन का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। यस सर, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी प्रेजेंस में और इसकी एब्सेंस में सेम रहेगी। यस सर, वो डाइइलेक्ट्रिक में बीच में जो चार्जेस थे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, और जो आउटर सरफेस है उनकी वजह से अगर प्रोवाइडेड बहुत बड़ा है तो बाहर इफेक्ट जीरो आता है। बड़े मान पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम ये मानते हैं कि प्लेट बहुत बड़ी है, ठीक, इसलिए तो E2 उतना ही रहेगा। और E1 में क्या हुआ, E1 में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक लाने से पहले थी अगर, तो डाइइलेक्ट्रिक लाने के बाद इसमें K और आ जाएगा नीचे, डेफिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसी को बोला गया। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन है कि आप कहीं तो रिकॉर्ड रेड है, सब कुछ लिख सकते हो कहीं भी। नाउ अगर पूछा जाए कि जो डाइइलेक्ट्रिक वाली विड्थ है, मतलब d बाय 3, इस पोर्शन पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और 2d बाय 3 पोर्शन पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? सर इंटीग्रल e डॉट dr सीधा लगा दें। अब वही लगा देंगे तो कितना आसान तरीका है, अगर हम अगर वैसे ना जाएं, अगर आप बहुत बेसिक स्टेप से चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अगर पूछा जाए कि कंडक्टिंग प्लेट पॉजिटिव प्लेट और डाइइलेक्ट्रिक की राइट सरफेस, पॉजिटिव प्लेट और डाइइलेक्ट्रिक के राइट सरफेस, यानी कि ओवर द लेंथ ऑफ d बाय 3, ओवर द लेंथ ऑफ d बाय 3 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v1 मान लेंगे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओवर दिस लेंथ d बाय 3? edr। हां ठीक, मतलब मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, इसको कहां लिखें? इस कंडक्टर से इसे डाइइलेक्ट्रिक तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V1 कह दीजिए इसको, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस, और उसके आगे का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V2 E2 2D बाय 3, और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जब ऐड करेंगे तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए? डेल्टा वी वन की वैल्यू रखते हैं, इवन क्यू बाई ए एप्सिलॉन के इंटू डी बाई 3 प्लस डेल्टा वी टू क्यू बाई ई टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टू डी बाई 3 बराबर वी। यहां से आप क्यू बाई वी निकालो बिकॉज वही कैपेसिटेंस। यस सर, सीरीज वाला रिजल्ट आएगा क्यू बाई वी, या फिर अगर हम वी बाई क्यू निकाल लें, देखिए वी बाई क्यू ज्यादा बेटर होगा, तो आपको वो प्रूविंग मिल जाएगी इफ वी बाई क्यू निकाला जाए तो इट इज वन डिवाइडेड बाय, आप हाँ लिखते उसी फॉर्मेट में लिखना चाह रहे थे इसको, इट इज वन डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन के अपॉन डी बाई 3, देख लीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ लगे तो बताना, और वन डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन के अपॉन सॉरी ए एप्सिलॉन अपॉन 2 डी बाई 3। नोटिस करो। यस
सीरीज वाला सर यही और ये क्या है ये कैपेसिटेंस नहीं है ए एप्सिलॉन के अपॉन डी सीरीज यस सर सर की डाइइलेक्ट्रिक में कब अपॉन सी वन ये इसका कैपेसिटर हां जो डाइइलेक्ट्रिक है और ये जो लिखा है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d/3 ये इसकी कैपेसिटेंस हुई c2 और आप 1 अपॉन और v बाय q क्या निकला 1 अपॉन c इसका मतलब इसको भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक से करेंगे आगे ये तो उसका पूरा डेरिवेशन करा दिया कैसे होता है ये सब कुछ तो आगे से जब ये कॉम्बिनेशन इस टाइप का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप जितना यहाँ पर कैपेसिटर है इसको एक कैपेसिटेंस मान मतलब डाइइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन को एक कैपेसिटर मान ले और एयर वाले पोर्शन को दूसरा कैपेसिटर मान ले और सीरीज कॉम्बिनेशन लगा करके इनको ऐड कर दे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे मालूम चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है। तो अगर आप ये इंटरफेस वाली थ्योरी याद रखिए सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जज करेंगे अपना पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया लग जाएगा। सर पेज ही देख लें अलोंग लेंथ सेम सीधे हम पोटेंशियल डिफरेंस से पता कर लेंगे। यस सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरफेस वाला फिर से आप सीधा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरफेस के परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इंटरफेस सीरीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस के पैरेलल है अगर पैरेलल से आप कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस के पैरेलल तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यस सर सीधा सा तरीका है इसको याद करने का कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं। अब इसमें एक और बात आती है इसी अरेंजमेंट्स में अच्छा मैं फिर बोलना है जिनको भी दिक्कत हो आप ये सब कुछ आपको x2 x3 में सिमिलर मिलेगा बट प्रेजेंटेशन वहां थोड़ी अलग है तो अगर अनकंफर्टेबल कोई लगे तो आप बैच स्विच कर दो क्योंकि तो इसमें तो ऐसे ही चलेगा। इसमें यार ऐसा भी बोलते हैं कि वो जो डाइलेक्ट्रिक था अगर वो मान लो लेफ्ट प्लेट के कॉन्टेक्ट में नहीं होता और बीचों बीच होता मान लो यहाँ डाइलेक्ट्रिक होता थोड़ा सा डी बाई थ्री पोर्शन का तीन सपोज ये डी बाई हाँ मान लो ये भी डी बाई थ्री है ये भी डी बाई थ्री है तो इसको तीन कैपेसिटर मान ले यस सर यस सर ये सी वन या इतना पोर्शन सी वन कैपेसिटेंस इतना पोर्शन सी टू कैपेसिटेंस इतना पोर्शन सी थ्री कैपेसिटेंस और वन बाय सी जो बनेगा वो हो जाएगा वन अपॉन अब सी वन जो होगा एरिया एप्साइलन यहाँ पर एयर है डी बाय थ्री डी बाई थ्री अपॉन डी बाई थ्री करेंगे तो वो यहाँ अपॉन डी बाई थ्री करेंगे ए एप्सिलॉन थ्री डी बाई ए एप्सिलॉन डी बाई थ्री एप्सिलॉन प्लस वन बाई सी टू तो वन अपॉन इसमें नीचे के डी बाई थ्री ए एप्सिलॉन नॉट के के मतलब थ्री आ गया और वन बाई सी थ्री अब एक्चुअल में जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे और इसके पहले वाले के आंसर को देखोगे तो सेम आंसर आएंगे। ये शुरू तो ऑब्वियस सा चीज है सर मैं बस कैपेसिटर की पोजीशन अलग आगे का पोजीशन ही ना चेंज किया है उसको हम एक तरह से फॉर्मूला तो वही लगा रहे हैं सेम आएगी और एक्चुअल में ये लॉजिक है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस कौन से ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता मतलब जैसे आप C1 C2 C3 लगा दो या फिर आप C1 उसके बाद C3 लगाओ और उसके बाद C2 लगाओ क्या फर्क पड़ता है इससे भाई ऐसा मान सकते थे कि C1 C3 साथ में लगा दिए C2 हां ये तो मैं कह रहा हूं आप किसी को भी आगे पीछे कर लो जब सेम कैपेसिटर है तो कोई भी पहले आए कोई बाद में आए यानी डायरेक्टर की पोजीशन मैटर नहीं कर रही है कि ये इसके कांटेक्ट में है कि इसके कांटेक्ट में है कहाँ रखा है पोजीशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कहीं भी रख दो आप कैपेसिटर सेम आएगी।
यहाँ तक बात समझ आ रही है सर? अगर कैपेसिटर जो हमारा डायलैक्ट्रिक है वो कोई मतलब स्लोप टाइप की चीज हो तो फिर सर वहां पे हम लोग ये कर सकते हैं कि सर जो उसके पैरेलल मतलब एंगल पे जाए इलेक्ट्रिक फील्ड सर उसके हिसाब से देख लें और एक जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी उसके हिसाब से देख लें सर उसका भी फिर इसी लॉजिक से निकाल सकते हैं। निकाल सर ऐसा क्वेश्चन है मतलब दो डायलैक्ट्रिक एंगल पे भरा हुआ है ने भरे हैं लेकिन वो थोड़ा आते हैं सर को डायगोनल वो एचसीवी में भी है जेई में भी है सर एचसीवी चलो उसको देख पहले ये समझो और अब आप मुझे इसके बाद क्विकली अपना आंसर देना इसमें बहुत फास्ट आंसर देना मतलब इनमें एक्चुअली करना आपको खुद चाहिए बैच के हिसाब से बोलना आंसर यार अगर हाफ के वन है और हाफ के टू है अब आप समझ जाओ क्या करना है इसमें डी बाई टू यस सर लिख के वापस वही सीरीज में कर लें ए एप्सिलॉन के वन अपॉन डी बाई टू के टू का डिनोमिनेटर में टर्म का डिफरेंस आ रहा है यस सर बस ये समझ जाओगे ना कैसे करना है इन सबको यार यस यस सर समझ गए एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटर वन कैपेसिटर टू सीरीज में यस सर बताएं डिटेल पे या फिर चलते जाए आगे नो सर सर आ गया समझ गए चल के और एज यूजुअल की भाई ये दो कैपेसिटर्स जो हैं वो प्लस माइनस वाली प्लेट वेरिएबल वाला केस भी देखो एक्स जीरो ये एक्स बराबर टी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ नाउ एक्स एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है वो सर एक बार ट्राई करके देखते हैं सर प्लीज प्लीज चलो करें और इसमें क्वेश्चंस वगैरह बता दें इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वी दिया हुआ है प्लेट का एरिया दिया हुआ है कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में सर रुक जाइए सर प्लीज हाँ रुके फंक्शन बता दें क्या मतलब कोई प्रॉपर फंक्शन दे दें देने को दे दीजिए सर वैसे सर जनरली आएगा रिजल्ट जनरलाइज ही रखो चलिए नहीं जन फंक्शन भी ले लो तमन्ना है पूरी कर लो के नॉट ई टू द पावर अल्फा एक्स सर जैसे पैरेलल वाले में सर परपेंडिकुलर टू प्लेट मान खड़ी खड़ी स्ट्रिप्स मान के काम करते हैं सर खड़े खड़े हां सर मतलब x के मतलब सीरीज नहीं खड़ी है एक बार एक्सप्रेशन बनाओ फिर समझ जाएगा मैं एक्चुअली करना क्या पड़ेगा डीसी मान लीजिए निकाल लिया a एप्सिलॉन नॉट और वो जो k का फंक्शन fx डिवाइडेड बाय dx वो जो छोटा सा हमने स्ट्रिप लिया उसका थिकनेस ठीक है अब जब हम लगाते हैं मतलब सीरीज तुम पूरा मत बोलो तुम मैं समझ रहा हूँ तुम बस थोड़ी हिंट करो क्या करना है मतलब पूरा एक्सप्रेशन मत बोलो क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं अभी सर देखिए एक ही चीज बोलेंगे रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है सर अल्फा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई की पावर अल्फा एक्स कुछ ऐसा है बाकी लोग जो सोच रहे हैं डीसी नहीं अभी आंसर नहीं पता मेरे पे बाकी लोग जो कह रहे हैं सर कुछ अजीब सा मैथ दिखेगा मतलब वो झटका देगा आपको यस सर बहुत गंदा वाला अब सुनो उस मेथड पे मैं जाऊंगा बट पहले आपको ना एक साफ सुथरा मेथड दिखाते हैं मान लीजिए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज साफ सुथरा मेथड देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में दोनों कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा अगर बैटरी है तो V. और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके आता है
कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन। डाइलेक्ट्रिक है तो के, डाइलेक्ट्रिक है तो के और लगा के और लगा तो के नॉट ई की पावर अल्फा एक्स, और इसको डीएक्स रख करके जीरो से डी इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे? पोटेंशियल मिल जाएगा। कौन सा कंसेप्ट लगाया पता है आपको? ये v1 माइनस v2 इंटीग्रल ई डी आर बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डी आर। सर्किल को बाहर ही है, हर क्लास में इसको कभी ना कभी तो आई जाता है, इसीलिए कहा गया था कि ये बड़ी पावरफुल इक्वेशन है। q / a एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल केसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइइलेक्ट्रिक आने पर k और लग गया। यानी इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर x के फंक्शन पे चलेगा। ये बात समझ पा रहे कि नहीं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगी आपको। यस सर। Yes, sir. Yes, ये इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ये e की पावर अल्फा एक्स को ऊपर लेके जाओ, यहां से e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स बन गया ऊपर जाकर के। अब ये पता होना चाहिए यार एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे होता है। 1 बाय अल्फा और e की पावर माइनस 1 बाय अल्फा, माइनस 1 बाय अल्फा कर लेंगे। तो जब ये कर लेंगे तो क्यू बाई बी निकाल दीजिएगा, कैपेसिटेंस आ गई। यस सर, यही आ रही है सेम, कहीं हमने स्लाइस स्लाइस बानी नहीं इसमें। कहीं मानी हमने कि कौन से स्लाइस लेके कोई एलिमेंट चूज करेंगे, कुछ किया नहीं सर। एकदम बेसिक, एकदम फंडामेंटल का गया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायरेक्ट्रिक निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बार बार इस पे ज्यादा फोकस करता हूं, कैपेसिटेंस निकालने के लिए सी इक्वल टू क्यू बाई वी पर। अब बुक्स से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगी, किसी किसी बुक में नहीं मिलेगा ना। प्रॉब्लम ये होती है तब तुम लोग को लगता है कि यार हमारे टीचर जो फालतू का मेथड बताते हैं, जबकि वो मेथड छोटा बता रहे हैं आपको, उससे छोटा मेथड बता रहे हैं। अब अगर आप दूसरे मेथड से जाना चाहते हो, मान लो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो दूसरा मेथड क्या कहता है कि एक चीज पूछना था सर। हाँ सर, ये कोई जरूरी होता है क्या कि मतलब इंटीग्रेशन हमेशा छोटे नंबर्स का किया जाता है, जैसे dx का, मतलब बहुत छोटे एलिमेंट्स का किया जाता है, कोई जरूरी होता है सर? क्योंकि मतलब किसी मैथ की किताब में ऐसा तो लिखा नहीं है कि मतलब सर, क्योंकि जो मैं जिस तरीके से मैंने किया था उसमें इंटीग्रल 1 बाय dc आ रहा था और dc बहुत छोटा है, तो 1 बाय dc ओवरऑल तो बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए। हाँ यस सर, और मतलब एक्चुअली 1 बाय डी नहीं, आप गलत समझो, 1 बाय डीसी इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, बता रहे हो बताते हैं। यस वो मैथ में चले गए, खैर कहीं भी जाओ क्या दिक्कत है। देखिए जो दूसरा मेथड है वो ये कहता है कि यहाँ पर आपने एक स्लाइस चूज की, लेकिन अब की बार जो स्लाइस लेंगे वो पैरेलल टू प्लेट है, यस सर, जिसकी विड्थ डीएक्स होगी और इस स्लाइस में कैपेसिटेंस डीसी होगी। यस सर, तो रेसिप्रोकल। ठीक, अब नहीं सुनो तो पहले मेरे पास सुनो, आप लोग गलती ये करोगे, आंसर लाना अगर एम है बहुत तरीके हैं उसमें, लेकिन अगर परफेक्शन चाह रहे हो और वाकई में एडवांस की तैयारी, सर अगर मान लीजिए अगर हम आपको प्रिसाइज लॉजिक देने की कोशिश करें, मान लीजिए तो देखिए सही में बताएं तो इंटीग्रल 1 बाय डीसी मीनिंगलेस चीज है, मतलब कुछ होता नहीं है असल में सर। अब देखिए बट ये भी इसमें भी कोई बुराई नहीं कि अगर मान लीजिए 1 बाय डीसी को हम नहीं देखते हैं, ठीक है, हम वो जो मतलब आरएचएस में एक्सप्रेशन है उसको नॉर्मली रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हैं, तो सर तब तो कोई बुराई नहीं है ना, मतलब इंटीग्रल 1 बाय डीसी कुछ नहीं है, है एक्चुअली वो इंटीग्रल नहीं, वो समेशन है। यस सर, वही नॉर्मल समेशन है सर, इंटीग्रेशन भी तो समेशन ही होता है। नहीं, दो बातें देखो, जब आप डीसी लिख रहे हो कैलकुलस में, डीसी या डीएक्स या डीवाई जब लिखा जाता है तो क्या मतलब होता है,
क्या डीसी चेंज इन कैपेसिटेंस है या डीसी कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल पोर्शन है? तो स्मॉल पोर्शन का कैपेसिटेंस है, स्मॉल पोर्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीसी में कभी लिमिट रखी नहीं जाएगी। लिमिट तो तब रखते हो, लिमिट तब रखते हो जब डीएक्स किसी क्वांटिटी के चेंज को बताए, तो हम बताते हैं उस चेंज की लिमिट ए से बी है। नहीं सर, इस हिसाब से तो अगर मान लीजिए हम वर्क को डिफाइन करते हैं dw बराबर f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो उसमें भी हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं सर एक तरह से। सर हाँ, करते हैं। वर्क जब dw को इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि हम मतलब ओवर अ होल पीरियड हम वर्क निकाल रहे हैं, लिमिट हम आप, मतलब अच्छा आप सिंबल जरूर इंटीग्रेशन ऑफ dw को लगाते हो, कभी लिमिट रखी है आपने जीरो से w की किसी बुक में मिला आपको? सर नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, इसमें नहीं रखते, बट दिखाते तो फिर भी है। हाँ ठीक है, मतलब एक्चुअली इसका मतलब आप छोटे छोटे स्टेप्स में किए गए वर्क को ऐड कर रहे हैं। यस सर वही, मतलब स्मॉल स्मॉल डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के ओवर जो वर्क हो रहा है उसको। हाँ हम इसीलिए मैथ वाले पोर्शन में कम जाना चाहते हैं, फिजिक्स वाले हमको ठीक लगते हैं। खैर चलो डीसी कैपेसिटेंस निकालो, तो डीसी कैपेसिटेंस विल बी एरिया एप्सिलॉन, इसके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका कांस्टेंट ए एप्सिलॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डीएक्स। लेकिन डीसी इंटीग्रेट नहीं होगा, कैसे करोगे डीएक्स डिनोमिनेटर में? कौन सा इंटीग्रेशन है जिसमें एफएक्स अपॉन डीएक्स पड़ा है? मीनिंगलेस है। हां यस, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये जो स्लाइसेस बनेंगी वो स्लाइसेस कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं? अगर आप इसको कई सारी स्लाइसेस में डिवाइड करके ऐड करना हो सब सीरीज में, सीरीज में, तो ये स्लाइसेस सीरीज में है। सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस निकाला जाता है वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 से है। यस, यानी कि 1/C विल बी समेशन, 1/C विल बी समेशन ऑफ 1/CI। Yes. और उस समय समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन लगा करके 1/CIS की जगह पर। यस सर है समेशन, यस सर, उसमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगेगा पर। हाँ बस ये है, तो 1/DC इंटीग्रेट होगा यहाँ पर। डीसी का रेसिप्रोकल लीजिए, बट इससे 1/C आंसर आएगा, इसका ध्यान रखना, सी नहीं आ रहा, 1/C का आंसर आएगा। सर पहले भी सर 1/ मतलब ऊपर वाले में भी पहले 1/C आ रहा था। हाँ V/Q आ रहा था उस पे, बट सर मैंने पहले ही रेसिप्रोकल ले लिया। वो आप लोग को पता है ना, दिमाग वाले हो सर, या तो दिमाग वाले हो या कहीं ना कहीं देखा होगा, करा होगा क्वेश्चन, तभी हो सकता है सर। नहीं सर, पहली बार। हाँ सर, कैपेसिटेंस नेगेटिव में आ रहा है, कोई रिलेवेंस है क्या? कहाँ नेगेटिव आ रहा है? आई नहीं रहा नेगेटिव। अच्छा हाँ सर, लिमिट नहीं, लिमिट रखने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, लिमिट रखने के बाद नहीं आ रहा, सॉरी। आ ही नहीं सकता, INPHO का क्वेश्चन करवाया तुमको, बता दो नेगेटिव आ रहा है सर। कहाँ का है? INPHO का क्वेश्चन है भाई, इन्फो का, सेकंड स्टेज ओलंपियाड की। सर ये सब पूछते हो? हाँ तुम लोग को मालूम नहीं चलता, क्वेश्चन देता हूं तो सब हो जाते हैं। लेकिन बट मेरा पता, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इससे पहले वाला मेथड ज्यादा रेलेवेंट है, साफ सुथरा मेथड है, इस तरह से कई चीजें आ जाएंगी एक ही बार। बिल्कुल हाँ, अच्छा इस तरीके के स्लाइसेस पर जेई 2017 एडवांस पेपर में बड़ा बढ़िया पैराग्राफ आया है, 17 या 18 में, मतलब एक्चुअली डाइइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। जो क्वेश्चन ये बता रहे हैं ना वो देखो क्या है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, आप ही लोगों से सुनेंगे क्या कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन चाहे आप रेसलिंग हॉलीडे ले लो, HCV ले लो, JEE ले लो, सब में है, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। सभी बुक्स में, सभी पैकेजेस में दोनों प्लेट और उनके बीच में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन K1, K2, K3
ऐसे करके इधर पॉजिटिव प्लेट तो सीरीज में और सीरीज रिजल्टेंट कहते हैं। हां ये सर मैं आ चुका हूं, ये सर्किट रीड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं आया बता रहा, ये d / 2, ये d / 2 एरिया वाइज इधर a / 2 और इधर a / 2 है। अब इसकी कैपेसिटेंस निकाल ली, एक क्वेश्चन ये है। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करने जा रहा, आप ऐसे जो हिंट बताना चाहो बता दो। सर ऊपर वाले में सीरीज से करेंगे और सीरीज फिर बाद में पैरेलल करेंगे। कितने कितने कैपेसिटर है इसमें? 3 3 3 7 7 2 2 सीरीज में उनका रिजल्टेंट सीरीज पैरेलल। हां सर दो सीरीज और फिर उनके साथ उनका निकालने के बाद पैरेलल। सर ऐसे ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये। यस यस यस। अब आपको C1 C2 C3 खुद निकालने पड़ेंगे, वो फॉर बेसिक है। एरिया डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक सब दे रखा है, आगे अपने आप कर लोगे से। यस सर। यस सर। अभी रिसेंटली जे मेन में एक बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। डिस्प्यूटेड का मतलब उसमें स्टूडेंट्स के बीच में ही फाइट हुई, मारपीट नहीं हुई, बस इतना था। ये चार ब्लॉक्स बना दिए K1 K2 K3 K4 और कहा बताइए कैपेसिटेंस क्या होगी। K1 K2 सीरीज में K3 K4 सीरीज में फोर सीरीज में दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे पैरेलल पे पैरेलल में। अब यहां पर आर्गुमेंट क्या हुई है? अब सर K1 और K2 पहले पैरेलल में K2 K4 को पैरेलल में लो, फिर उनको सीरीज में लड़ाई इसी बात की थी कि पहले मैं इन दोनों को पैरेलल में कर दूं। पैरेलल में कहां हो जाएंगे K1 K3? पोटेंशियल डिफरेंस सेम थोड़ी है उनके अक्रॉस है। आप इसका सॉल्यूशन जरा नेट पे चेक करो, जितनी भी साइड्स हैं सबने गलत सॉल्यूशन दे रखा है। सर वही तो सर वही डीमोरलाइज कर देता है सर। मैं क्यों गलत दे रखा बता रहा हूं? गलत इसलिए दे रखा कि जेईई मेन के आंसर की में गलत था। जेईई मेन ने तो अपनी आंसर की को बाद में रेक्टिफाई कर दिया जस्टिफाई करने के लिए। और जो साइट्स है वो क्या करती है, जो आंसर की होता है उससे स्टूडेंट्स को मैच करवाने के लिए जबरदस्त गलत सॉल्यूशन दे देते हैं। क्या क्यों? अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये K1 K3 को हम पैरेलल कैपेसिटर क्यों नहीं मान सकते और ये दोनों पैरेलल पे मान लें? तो क्योंकि K1 K3 के अक्रॉस ये कोई गारंटी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सेम होगा कि नहीं? यस सर। पहले हमने यस सर सर मतलब उसमें पूरे में वो स्प्रेड था तब हम कह रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे आ रही थी। सर बैटरी से तो प्लेटे कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ये तो बीच में और भी कनेक्टेड के लिए आपको दोनों कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। सुनिए कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। ये कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है, इंटरफेस की गारंटी नहीं है। इंटरफेस बराबर हो जाएगा। हाँ इंटरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, इसकी क्या गारंटी है? वो कंडक्टर तो है नहीं। यस सर। हो सकता है यहाँ अलग पोटेंशियल यहाँ अलग पोटेंशियल, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो पाएंगे। यस सर। लेकिन इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कह सकते हैं कि K1 K3 के कॉम्बिनेशन का और K3 K4 के कॉम्बिनेशन। और सर वैसे भी मतलब K1 K2 में नॉर्मली वो चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए वो सीरीज में हो जाएंगे। हां तो इस तरीके से इसको आप ड्रॉ कर सकते हो और कर सकते हो। यही फाइट हुई और बहुत ज्यादा डिबेट हुआ इसके ऊपर। जाने कौन आया था? है तुम जाने कौन आया था? नहीं सुलझाया हो जाए कुछ नहीं, क्या बताया जाए। नेट पे कंटेंट इतना गलत है, कुछ एक दो ही ऑथेंटिक साइट्स हैं, बाकी तो मतलब बस जुगाड़ करते हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो यार, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं डाइलेक्ट्रिक वाले। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, ये सब जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगेन ये प्लेट्स इसमें क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक जो अजीबो गरीब तरीके से भरा, सिर्फ इतना पोर्शन डाइलेक्ट्रिक से भरा, बाकी एयर। इनका एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ हाँ शायद एडवांस सही है। इतना डाइलेक्ट्रिक भरा D/2 और A/2, बाकी छोड़ दिया, बाकी सब एयर है।
इसमें एयर और जो ऊपर क्वार्टर में एयर है उसको के थ्री फोर्थ पोर्शन में जो एयर है उसको तीन एयर वाले पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर, मतलब इसी को तो जो दो पार्ट वाली नीचे वाली एयर होगी वो सीरीज और ऊपर एक एयर और डाइलेक्ट्रिक वो सीरीज और दोनों का जो रिजल्टेंट वो पैरेलल वो पैरेलल में हो जाएगा। इसी तरह ही रीड्रॉ कर सकते हैं बस सर, ऐसा है। तो पहले क्वेश्चन क्या था, उसमें ऊपर वाले को कवर मान लेंगे पहले वाले, ये वही केस हो गया K1 K2 K3 वाला। यस सर, K3 K4 बराबर दे दिए हैं। हां इसीलिए नहीं, वो नहीं जो मैंने कहा था रेसनिक में मिल जाएगा K1 K2 और नीचे पूरा K1 और K3 बराबर दे दिए। यस K1 K3 मतलब आप इस कैपेसिटर को C1 मान लें, इसको C2 और इसको C3। यस सर, बस सही है। C1 C2 सीरीज में, C3 के बाद पैरेलल में इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायलेक्ट्रिक के ऊपर, तो इन पर अगर कमांड हो जाएगा ना तो मतलब जो जेई का सबसे मेजर पोर्शन इस चैप्टर में यही है डायलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस, एक्सक्लूसिव टॉपिक। हां क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है ना, इसमें बहुत क्वेश्चंस मिले थे प्रीवियस ईयर, यही आता ही है। यस सर, ये आता है, इसके बाद आता है स्विचिंग सर्किट्स, स्विच को बंद करना, स्विच को खोलना। यस सर, डायलेक्ट्रिक में मजा भी आती है लेकिन हीट लॉस पेपर में मजा आया तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होता तब मजा नहीं आती। पेपर में अगर होना तब तो ठीक है, इसीलिए वेडनेसडे वाली क्लास लगवाई है क्योंकि इसमें क्लासेस थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ज्यादा गैप करने पर ये टॉपिक बेकार हो जाएगा। ये आपका वो HCV वाला क्वेश्चन है, इसमें दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट पॉजिटिव लोअर प्लेट नेगेटिव एज यूजुअल जो रहती है दोनों प्लेट्स में, और इसमें जो डायलेक्ट्रिक भरा है वो डायगनल वे में भरा गया है, तो ये क्वेश्चन से भी आप मुलाकात को हो चुकी होगी। क्वेश्चन से एक्सपोजर उन्हीं का हुआ होगा भाई जिन्होंने किताबें उताबें खोली होंगी, बाकी लोग को क्यूबॉर्ड को डायगनली आधा करने पे आधा डायरेक्टर भरा हुआ मिला है क्वेश्चन दिखा, ऐसे करके कुछ है यार इधर और इधर से करके डायग्राम प्रॉपर बन नहीं रहा, बट हाफ स्पेस में K1 है और हाफ स्पेस में K2 डायगनल तरीके से भरे गए इसमें K1 K2। अपने तरफ से तो मैंने डायग्राम बेस्ट बनाने की कोशिश की है बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कैपेसिटर्स। हाँ ये स्क्वायर प्लेट है, ये क्वेश्चन भी ओरिजिनली आपका रेसनिक का ही था और बाद में HCV में ऐड हो गया और उसके बाद JEE में आ गया। तो थोड़ा साइड हट जाइए सर, वो देखना डायमेंशन वगैरह। और एक्चुअली हुआ था 97 के पेपर में ये आया था और 96 में HCV लॉन्च हुई थी मार्केट में, तो जब उस टाइम पर इतना बड़ा क्रेज था कि अगर किसी किताब का क्वेश्चन JEE में एज इट इज आ जाए, आज भी है बहुत कम लोगों को मिल पाती थी। चेक कर सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। और मेंस वालों की हिम्मत देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन मेंस में सिंगल ऑब्जेक्टिव आया था, सर HCV में तो बहुत गंदा डायग्राम दिया, वो तो समझ ही नहीं आएगा इसमें, थोड़ा फिर भी कुछ। यस सर, पर वो 2D से उन्होंने बना रखा है। अब वो भाई हमने वो वीडियोस बनाएंगे कि तुम्हारे भी किताब बनाएंगे जी। ये क्या बात होती है, अरे वो अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि हम किताब कभी चेंज नहीं करेंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ो नहीं पढ़ना ना पढ़ो।
मान लीजिए वो पुराने जैसे आप डायग्राम बनाते सीधा प्लेट बना दे, यहाँ पे तो सर लेटा हुआ बना दिया ना सर, मान लीजिए मतलब वहां पे अलोंग द प्लेट एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे वो तो स्ट्रिप दो मीडियम कंटेन करेगा, K1 वाला पोर्शन और K2 वाला पोर्शन, और सर दोनों आपका वो उसमें होगा सीरीज में, और सर मतलब ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स होंगे पैरेलल में होंगे तो नॉर्मली इंटीग्रेट करके आ जाएगा। ठीक, ये सही है। देखो सर एक मैंने सोचा था कि सर ट्रायंगल सिमिलैरिटी यूज करके मतलब किसी भी एक एक को पकड़ लें सर, किसी एक के को, और और सर उसका सिमिलैरिटी यूज करके सर उसकी विड्थ निकाल लें कि मतलब कितने डिस्टेंस के साथ कितनी विड्थ बढ़ती जा रही है, और किसी भी के लिए इंटीग्रेट करके निकालेंगे सर उसी में K2 पुट करके दूसरा का भी आ जाएगा अपने आप, मतलब इधर अलग इधर अलग। हाँ सर, और उसका कॉम्बिनेशन क्या लगाओगे? ट्रायंगल लगा रहे तो सीरीज लगाएंगे यहाँ पर। हाँ सर उधर फंस जाएंगे, उधर फंस जाएंगे। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, वेडनेसडे वाली क्लास कर लेना कायदे से, उसमें सीरीज पैरेलल समझा देंगे आप, मतलब बड़ी दिक्कत। इसमें क्या करो जैसे बता रहे ना, आपको यहाँ पर एक स्लाइस माननी पड़ेगी, ऊपर एक स्ट्रिप मानेंगे इधर से एक्स डिस्टेंस जा करके और डीएक्स विड्थ का, और उसी के नीचे एक स्लाइस यहाँ बांध दे, एक ऊपर स्लाइस एक मतलब नीचे स्ट्रिप, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल स्ट्रिप होंगी, यहाँ पर जो dx मान रहे और नीचे जो dx मान रहे ये पैरेलल स्ट्रिप होंगी। यस सर। ठीक, अच्छा अब सारा डायग्राम को हटा दे और फोकस करिए इन दो पैरेलल स्ट्रिप्स के ऊपर, तो एक पैरेलल स्ट्रिप और इसके नीचे एक और पैरेलल स्ट्रिप, जस्ट इसके ऊपर फोकस करो। अरे ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे डिस्कशन चल रहा था और इस टाइप का डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर नेगेटिव प्लेट और बीच में K1 K2, तो क्या कहा गया था इसमें कौन ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में ले रहे थे? ये वही चीज बन रही है। अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करें इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कुछ पोर्शन ऐसा है जो K1 से है, थोड़ा सा ऊपर K1 है और बाकी नीचे K2 है, बस ये ऐसे सारा ओरिएंटेशन सिर्फ डिफरेंस है, ये ओरिएंटेशन अलग, ये ओरिएंटेशन अलग है, इसको सीधा करते अगर ऐसे तो समझ आ जाएगा कि यही चीज हो रही है, और ये ऊपर वाली जो स्ट्रिप है ये पॉजिटिव प्लेट का पार्ट है और नीचे वाले स्ट्रिप पर नेगेटिव प्लेट का पार्ट है, बस आपको ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि ये डिस्टेंस, और ये आ जाएगा अगर हम यहां पर थीटा एंगल मानते हैं और ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स है एक्स टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा K1 है और बाकी का जो लेंथ है यानी कि डी माइनस एक्स टेन थीटा, समझ आ रहा है इसको? यस यस सर। और आप सुनना, यहाँ दो कैपेसिटेंस हैं, ये जो K1 वाला पोर्शन है इसकी कैपेसिटेंस को हम DC1 कर रहे हैं और K2 वाले पोर्शन को DC2 कर रहे हैं, और इनके कंबाइंड कैपेसिटेंस को DC लिखेंगे, DC1 और DC2 होगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन माना जाए इन दो का? पैरेलल पैरेलल सीरीज है, ये सीरीज में दो कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट आता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यस सर यस सर यस सर। यहाँ पर कैपेसिटेंस आएगी DC1 मल्टीप्लाइड बाय DC2 मल्टीप्लाइड अपॉन, ये हो गया डीसी। अब आपको समझो यहाँ पर तीन 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 डिफरेंशियल पोर्शन चल रहे हैं। DC1 क्या है? DC1 सिर्फ इतने पोर्शन की कैपेसिटेंस है, DC2 इसके नीचे वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस है,
और डीसी यहां से यहां तक की कैपेसिटेंस है। अब डीसी वन होगा कितना, तो ये कितना एरिया है इस प्लेट का, ये प्लेट है सर। डीसी आपने क्या बोला था, पूरे का डीसी वन इतने पोर्शन का है जितना के वन वाला पोर्शन है, इतने पोर्शन का एरिया डीसी, इतने पोर्शन की कैपेसिटेंस डीसी वन है। अंडर दिस स्ट्रिप, ऊपर जो स्ट्रिप है उसके नीचे जो के वन का पोर्शन है वो डीसी वन है, और इस स्ट्रिप के नीचे जो के टू वाला पोर्शन है वो डीसी टू है। यस सर। तो डीसी वन को बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस के हिसाब से बताओ एरिया क्या एरिया है इसका, ऊपर वाले का, इसका जो स्ट्रिप बनाई है into epsilon into k1 upon ये distance extended dc2 यहां से यहां तक का एरिया epsilon k2 ये। अब यहां ले जाकर पहले रखोगे तो dc आएगा, और इसके बाद का जो लॉजिक है ऐसी और स्ट्रिप्स जो होंगी इसी तरीके की और स्ट्रिप्स देखो वो पैरेलल में होंगे, सब पैरेलल में होंगे। हाँ एक और ऐसे, तो मतलब एरिया, हाँ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिटवीन दीज टू स्ट्रिप्स टू कैपेसिटर्स इन द सीरीज एंड ऑल सच स्ट्रिप्स आर इन द पैरेलल कंबिनेशन। यस सर। तो फाइनली आप डीसी इंटीग्रेट करके जाएंगे तो आंसर आएगा पूरा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऐड करके निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इंटीग्रेट करके निकालना, ऋण लेना है इसमें जो कि x अपॉन लॉग में आ जाएगा। हाँ। अब आप सोचो कि जिस बच्चे ने पहले से ये क्वेश्चन नहीं किया वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि मेंस के पेपर में दो से ढाई मिनट में ये हो जाएगा उससे, और अगर गलती से आप इस क्वेश्चन से पंगा ले लिया, इसको सॉल्व करने बैठ गए, मतलब इस कॉन्फिडेंस में कि हम तो कर ही लेंगे इसे, प्लेट हम जैसे कि यहाँ पे हमने जो स्ट्रिप माना है dx लेंथ का, ये अलोंग द स्ट्रिप माना है, मतलब अलोंग द प्लेट माना है ना, मतलब x लेंथ जो मानी अलोंग द प्लेट है सर, मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द प्लेट भी मानते तो कोई इसमें बुराई थोड़ी था। बात तो वही ऐसे 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 सनी परपेंडिकुलर टू प्लेट मतलब x पे, ये सर नीचे जाके, यस सर x पे dx और उसमें भी दो मीडियम आ जाएंगे सर, वो उस केस में पैरेलल में होंगे और ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो सीरीज में हो जाएंगे, फिर 1 by dc करके इंटीग्रेट लंबा हो जाएगा, बात एक ही हो जाएगी। यही तो आप किसी की सीख में पड़ेगा, अब वो झाप तो उतना ही पड़ेगा, जरा टाइम उतना ही लगेगा बच्चा, बात करो टाइम उतना लगेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है क्यों कहा जाता है कि आप एचसीडी लगा ले, मेंस वगैरह के जो पेपर बन रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको इसका भी सेंस नहीं है भाई जेई ने जब पूछा था तो एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, इसके बदले 12 नंबर मिले थे लोगों को, मतलब इस क्वेश्चन को करके 12 नंबर मिल रहे थे और 12 नंबर का सिलेक्शन हो जाता था फिजिक्स में। कितने का होता है टोटल 100 नंबर में 12 भी आ गए तो आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाता था, मतलब एक टाइम उस टाइम ऐसा लेवल रहता था कि 5 या 6 क्वेश्चन ही आते थे सब्जेक्टिव, और 5-6 भी ऐसे भोपाल लेवल के होते थे कि अगर एक भी कर लिया तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का, बाकी सब्जेक्ट से मैनेज कर लेते थे वो। इमेजिन करो 97 यार, 97 आपके बर्थ से पता नहीं कितना पहले, तब का लेवल है ये, ना कोई कोचिंग ना कोई बुक्स ना कोई पढ़ाने वाला, बच्चे को अपने आप सब कुछ सोचना था। कोचिंग नहीं होता था उस समय, अरे मतलब इस तरीके से थोड़ी होता था कि हर जगह फैली कोचिंग है, मतलब और होती भी थी तो सेलेक्टेड लोग ही कर पाते थे भाई, जिसके पास पैसा है कन्वेंस से जाने का वो कर पाएगा। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं उसने नहीं कह रहा, मैं आपको बोला मेंस में ये क्वेश्चन अगर आया है और उस पेपर में भी किसी के पुल में पुल आ रहे, ये भी बड़ी अजीब बात है,
फिजिक्स में नहीं, ओवरऑल फुल में फुल उनसे रटा होगा यार तो भाई, तो उसका उसका प्लस पॉइंट है, रट लिया तो उसने क्या बुराई कर दी, कौन सा पाप कर दिया रट करके। आप भी रटो, अगर आप 300 आउट ऑफ 300 लेना चाह रहे हो तो आपको कुछ कई सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे एचसीबी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको हम आप ये मान के चले कि एचसीबी के हर एक क्वेश्चन का आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स आपको जेई मेन के पेपर से पहले याद होना चाहिए, और वो याद होने का तरीका आप इतनी बार प्रैक्टिस कर ले कि आंसर रट जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है भैया, जब कंपटीशन ऐसा चल रहा है तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि हम अपनी नॉलेज दिखा करके स्कोर ले आएंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। आप 15-20 मिनट इसमें चले गए। इसीलिए एडवांस में और मेंस के रैंकिंग में डिफरेंस आ जाता है। एडवांस में टाइम का इतना प्रेशर नहीं है मेरे को, किसी के ऊपर टाइम का उतना प्रेशर नहीं होता, ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा खासा टाइम होता है करने का, और सब क्वेश्चन नए हैं, सबके सबको उतना टाइम लगना है, किसी को 10 मिनट किसी को 8 मिनट, बस ये डिफरेंस आ सकता है। अभी भी सुधर गया है आप लोग, असाइनमेंट जो दे रहे हैं वो लगाओ, एचसीवी पूरी तरीके से सॉल्व करें, ये अंडर एस्टिमेट ना करें उसको, और एनसीईआरटी, वरना इसकी कॉस्ट पे करोगे आप सब कुछ एफर्ट करने के बाद भी 300 में 200 नंबर से आगे बढ़ पाओगे, परसेंटाइल आके गिरेगी वही 98.5, और उस परसेंटाइल पर फिर रोगे आप, और आपके आपके टाइम का तो जेई इस बार से भी कम्पिटिटिव होने जा रहा है, इससे भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव और हाईली स्कोरिंग होगा वो। ये आप प्रिपेयर रहो इसके लिए, क्वेश्चंस जो आएंगे वो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, ये आज ही बोल दे रहे हैं आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं जी मेन के अंदर इस बार। मोर देन 50% क्वेश्चंस वो तुम्हारे पैकेज असाइनमेंट एचसीवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने ये सब लगा लिया है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जा रहा है, आधा पेपर उसका 1 घंटे में ही सॉल्व हो जाएगा। रही सही कह सर केमिस्ट्री से पूरी हो जाती है, केमिस्ट्री जिसका बहुत अच्छा है वो 100% स्कोर कर लेता है उसमें। फाइट होगी मैथ्स में, तो अपनी स्ट्रेटजीज बदल दें आप। 2022 का यही मेन, और इस सभी लोगों से यह प्रोडिक्शन आ रही है इस टाइम पर कि भैया वो और टफ होगा, मतलब टफ इन द सेंस का मतलब रैंकिंग लाना टफ होगा। मेरा सजेशन है जिनको वाकई में एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लानी है वो तो इरडो लगाए, अदरवाइज अगर नहीं मैनेज हो रहा है इरडो छोड़ दो इस टाइम पर। मेंस इसीलिए पसंद नहीं है बिल्कुल भैया, तो रास्ता तो एडवांस का यही से जाएगा। हाँ वही दिक मजबूरी है सर, मेंस बिल्कुल नहीं पसंद सर, मैं रटो रटो कितना रटो। सर ये बताइए अगर अभी मेंस के लिए सर, अगर अभी मेंस के लिए मान लीजिए रिडोव नहीं भी लगाते तो सर फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी सर एडवांस में? अरे भैया तो दिक्कत तब होगी जब मेरा मेंस बहुत अच्छा चला जाए ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आपको लगेगा कि यार ये सर हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं, मेंस में परसेंटाइल लाने के भी हमारी हैसियत नहीं बन रही है किसी के भी, सोच के देखो ना भाई। ईडन गार्डन पे मैच खेलने की प्रैक्टिस नहीं, और लॉर्ड्स और पर्थ के स्टेडियम पर हम कह रहे हैं कि मैच खेलेंगे, बताओ। ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की पिचेस पर आप कह रहे हो कि हम सेंचुरी मारेंगे, अपने लोकल ग्राउंड पे हम मार नहीं पा रहे जहाँ ऑडियंस का सपोर्ट है सब कुछ है, आप इशारा समझो, आप ही के लिए नहीं बोले सभी के लिए बोलता हूँ। घर पे टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट घर पे बैठ के दे रहे, मेंस स्टैंडर्ड का फुल आउट ऑफ फुल आ रहे क्या मेरे इसमें? अगर ईमानदारी से पेपर दे रहे क्या पूरे में पूरे आ रहे? तो आप टारगेट करो, पहले जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लो यार कि अभी अभी काफी लंबी जर्नी है। वो लोग एडवांस के लिए अपना 100% एम बना सकते हैं जिनको ये भरोसा हो अपने ऊपर कि मेरा मेंस 97% भी आएगा तो चलेगा, और उनके घर वाले उनको सपोर्ट करेंगे।
घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। माना जिस दिन मेंस का पहला रिजल्ट आता है घर वाले डंडा लेके घूमते हैं। तुम्हारे चक्कर में दो साल से हम कहीं नहीं गए, सब कुछ छोड़ दिया, शादी ब्याह में नहीं गए, बर्थडे में नहीं गए, सब कुछ खत्म कर दिया, टीवी बंद कर दी, ये कर दिया, और तुमने ये नंबर लाए, तो ये सुनना बैठ कर तो वैसे भी सुनते ही हो गए, नहीं सुनते वो तो रोज का है। और इस समय तो ज्यादा हो गया होगा, घर पे ही रहते सब लोग, पहले तो फिर भी स्कूल भाग जाते थे तो कुछ बच जाता था। सर बचने के तरीके होते हैं सर, मम्मी का काम कर दो बस। ये तो खैर अलग बात है कि मतलब किसी को तो स्मार्टनेस कहा गया कि भाई आप कैसे बच सकते, बट मेरी बात समझो यार, एक्सपोजर टू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन इज द ओनली की फॉर 100 percentile 99.5 percentile, और कोई रास्ता नहीं आज के डेट में बचा है। जी मेल ने अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है, पहले फिर भी ठीक था, 18 तक ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, 19 भी कुछ हद तक ठीक है, 20 और 21 में जो हुआ है ना वो तो बिल्कुल डिजास्टर है, मतलब इन्होंने कोविड के नाम पर मजाक किया बिल्कुल। अब सर इतनी बार तो शिफ्ट हो रहे हैं सर, अगर यूनिट टेस्ट चल रहे हैं उस इतनी बार हो रहे हैं तो सर वैसे टेस्ट सीरीज हो रही है, यूनिट टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है वही। तो आप खुद बताओ ना, अगर अगर 24 पेपर किसी को बनाने हैं जेईई मेन को, तो कहां से ओरिजिनल क्वेश्चन लाओगे? रिपीटेशन तो पकड़ रिपीट होंगे सर, और वो भी जब आपकी कोई गवर्नमेंट एजेंसी बना रही है। मैं अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सबको पता है कि उनके काम करने का तरीका क्या होता है। सर बट यहां सर बच्चे मजे कर रहे हैं, वो लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, चार चार शिफ्ट दे रहे हैं। कौन तो मजे कौन कर रहे हैं? घर में बैठ के सर पढ़ाई तो होती तो है सर। जो बच्चा इसमें 300 में 300 ला रहा, 280 ला रहा, वो भी तो क्वेश्चन तो लगा ही रहा ना। जी सर, ऐसा तो सर उन्होंने चार चार अटेम्प्ट दिए हैं, ऐसा क्यों दिया है सर? उनको ये लग रहा है ना कि लॉकडाउन है, कोरोना है, कोविड में पढ़ नहीं पाएंगे वो, इसीलिए तो दिए सर चार अटेम्प्ट। तो ऐसा हाँ। थोड़ी है सर, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? अरे भाई नहीं, ये तो गलत बोल रहे हो, आपके घर मान भगवान ने करे किसी घर हो, लेकिन बहुत ही बहुत सारी फैमिलीज अफेक्टेड है इस समय, बहुत ज्यादा फैमिलीज। आपको नहीं आइडिया है कि मतलब किसके घरों में कहां कहां तक ट्रेजेडी हुई है, तो वो और जरूरी नहीं है कि ट्रेजेडी मतलब कि हेल्थ वाइज हो, बहुत सारे तरीके हैं, और उनसे मेंटली ओवरकम करने में 6-6 महीने साल साल बाद लग जाते हैं। यस सर ये तो है सर, वो एक अलग इश्यू है 4-6 महीने का। तो सिर्फ एक काम करो, आप बता दो सिर्फ ये सब छोड़ दो, ये सब जो लोग भी ये लोग सोच रहे हैं कि यार ये हो गया वो हो गया बहानेबाजी, आखिर उन्ही सिचुएशन में कोई नंबर वन रैंक लाएगा ही लाएगा, सेम सिचुएशन में आप नहीं लाओगे कोई और लाएगा। आप पहले 1 के 300 आए थे, आज से कुछ टाइम पहले आप 8-8 लोग ला रहे हैं, मजाक चल रहा है बिल्कुल। और खाली जेई में क्यों देख रहे हो, बोर्ड में परसेंटेज बढ़ नहीं रहे हर साल? इस बार कोई दोबारा एग्जाम बना, देखो परसेंटेज रहा, बोर्ड में भी 100% आने लगे। लेकिन वो ह्यूमैनिटीज टीम के आते हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। अरे बात हो रहा है जिसके भी आ रहे हो सर, कई सालों से साइंस का कभी नहीं सुना, उल्टी करनी होती है उसमें, कुछ और है ही नहीं, बस आप जो हार्ट ब्रेन का मेमोरी के लिए उसी को बस रगड़ो। नहीं वो ठीक है, स्ट्रेटजी अभी से बदलो, बिल्कुल ना सोचो कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है, जो टाइम बचा है तो उसको और याद कर लो, और क्वेश्चन लगा लो, केमिस्ट्री खूब रट डालो, बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल केमिस्ट्री का एम बनाओ, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ में प्रैक्टिस करनी है, यही बार बार कहता हूँ। सर ये हम लोग में भी 4 अटेम्प्ट तक मिलने हैं क्या इस बार फिर से? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% 4 अटेम्प्ट, इसीलिए बोला सुपर कम्पिटिटिव होने जा रहा है, क्योंकि 4 अटेम्प्ट का मतलब पेपर डाइल्यूट होना, और पेपर डाइल्यूट और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अटेम्प्ट होने पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं ना, तो परसेंटाइल वैसे भी लो हो जाएगी। भाई तुम मान लो 100 बच्चों से आगे हो आउट ऑफ 5 lakhs, और आप 100 बच्चों से आगे हैं आउट ऑफ 10 lakhs, तो परसेंटाइल कहाँ ज्यादा आएगी? तो जितने ज्यादा अटेम्प्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम, और
अच्छा स्कोर करके भी परसेंटाइल नहीं आएगी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, फाइनल रिजल्ट में सारे परसेंटाइल मिला दिए जाते हैं, तो कभी ना कभी थोड़ा, जैसे इस बार 18 साल सर पिछले साल जी एडवांस में 398 का शायद पेपर हुआ था ना, हाँ सर 290 वाले के सर 30 रैंक आ गया था। एडवांस की बात कर रहे ना आप यार? यस सर। हाँ तो आ जाएगा सर, इस बार सर इतने ज्यादा हो रहे हैं तो सर ये तो कुछ लोगों के लिए एडवांटेज है कि सर जो मेंस अगर जिसका पहला अच्छा चला गया तो सर उसके लिए एडवांस के लिए इतना समय है कि वो पूरी एडवांस प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर सकता है। नहीं तो लेकिन लोग करते नहीं है ना यार, लोग देखो मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो ये सोचते हैं, पहली बात तो कि वो मेंस को अपने लेवल का नहीं समझते, वो सोचते हैं कि हम मेंस के लिए नहीं बने, हम तो एडवांस के लिए बने सीधे, एक सबसे बड़ी गलत फहमी ये। दूसरा कुछ लोग ये समझते हैं कि मेंस मतलब हम तो आराम से निकाल लें, 4 डालेंगे मेंस का पेपर, ये एक एटीट्यूड होता है। और बिना रियलिटी को जाने हुए, बिना रियलिटी को जाने, बिना पेपर के पैटर्न को समझे हुए ये एक प्री एजम्पशन होता है कि हम लोग तो ले ही आएंगे पेपर, बस पेपर आने दो सामने। सर उसमें आसान कैसे बनना बताइए, जो क्वेश्चन हम लोग को 5-6 मिनट मिलने चाहिए इसमें 2 मिनट में करना पड़ रहा है। इसके तो अलावा, इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो इतने बोरिंग हैं, लोग पढ़ते नहीं है और पता चला उसी से क्वेश्चन भर भर के दे रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था तो सर उससे मेटल पॉलीमर के क्वेश्चन आए उल्टे सीधे, मेटलर्जी के भी। अब आप लोग खुद बताओ, सच बताना, कितने लोग का मन करता है इन चैप्टर को पढ़ने का? पहले पे तो पढ़ने का कितने लोग को मन करता है, चैप्टर तो बाद में चूज करेंगे, है ना? प्रॉब्लम समझो सर, हमारे हिसाब से तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद तो हमें लगता है कि सब बेकार है। तो वही बात है ना यार, आपको मतलब एक तरीके से वो कड़वी दवाई है, पीनी तो पड़ेगी भाई, आप अच्छा लगे चाहे ना लगे, अगर 300 में 300 वाकई लाने हैं। और ये मान लो जेई सुपर में बैठे तो ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट करता है, नहीं वेस्ट नहीं हो रहा वो। आप ये मानो मेरी बात सुनो, जेई मेंस में अगर आपने 300 आउट ऑफ 300 का टारगेट बनाया हुआ है तो ये भी मान लो उस प्रिपरेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट तुमको एडवांस में मिलने ही वाला है। ऐसा भी नहीं है कि एडवांस में हर एक क्वेश्चन जो है वो सुपर हाई लेवल का आता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर होते हैं, जो टॉप रैंकर्स को डिसाइड करते हैं। मतलब एडवांस में अगर मेरा टारगेट ही 2000 रैंक का है, 2500 रैंक का है, तो उसके लिए भी एरोडो लगाने की जरूरत नहीं आपको। टारगेट डबल डिजिट रैंक का है, सिंगल डिजिट रैंक का है, फिर अलग बात है, फिर तो लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो अपने गोल सेटिंग करें, सबसे पहले गोल सेटिंग होती है कि हमारा गोल सेट कर दो कि हमको करना क्या है और अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके करो, जबरदस्ती प्रेशर में आके ना करिए। सर जिनकी मेमोरी पावर एडवांस में 16000 रैंक लाने से बहुत अच्छा है कि हम मेंस के अंदर 2500 रैंक लेकर आ जाए और किसी बढ़िया एनआईटी में चले जाए या बिट सेट में चले जाए, बहुत बढ़िया है वो। सर तो क्या इस बार मतलब टॉप 100 रैंक्स 290 में क्लोज हो गई क्या 300 में? हाँ तो कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ये तो हमेशा होता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है ये तो नंबर, मतलब 300 में 290 तो बहुत ही। किसकी बात कर रहे हो, मेंस की? यस सर, सी में। यार 18th मार्च वाले शिफ्ट में क्या हुआ है, अगर आप कभी गूगल करो, मतलब आप लोग वीडियो देखते रहते हो कि 18th मार्च को सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि पेपर बहुत इजी आया था। 18th मार्च में हमारे यहाँ कृष्णा बिश्नोई जो है बच्चा जो पेपर दे करके आया, बड़ा खुश था वो, बड़ा खुश इसलिए था कह रहे थे मेरे करीब उसके जो नंबर आ रहे थे वो करीब 220 के आसपास आ रहे थे और लास्ट ईयर तक 220 स्कोर के ऊपर 99.5% आती थी। तो सबने उम्मीद ये किया कि यार ठीक है भाई 99.5 नहीं आ जाएगा तो 99 आ जाएगा, 98.5 आ जाएगा, उसकी परसेंटाइल डिप हो गई और 97 point something बनी 220 नंबर 300 में स्कोर करने के बाद 18th मार्च को। और उसी 18th मार्च को दूसरे मतलब एक दिन में दो पेपर्स होते हैं, तो सेकंड वाले शिफ्ट में 194 196 स्कोर करने वाले बच्चे का परसेंटाइल 99.3 आ रहा है। अब क्या कहोगे इसको,
धोखा हो गया और क्या, धोखा क्या, किस्मत कह लो आप इसको, और क्या इसी को किस्मत कहा गया है भैया, कुछ पाप कर दिया होगा, किस्मत जहां आती है वहां सब खराब हो चुका होता है। इसको कैसे जस्टिफाई करा जाएगा ये बताओ ना। एक्चुअली वो पेपर इतना इजी हो गया और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम बैठे थे, मतलब एक तो पेपर आसान और ऊपर से बच्चे कम थे उसमें, तो वैसे भी परसेंटाइल गिर गई। मतलब दूसरे शिफ्ट में 2 लाख बैठे, इसमें 1 लाख बैठे, क्या कर लिया जाए, कोई कोई कुछ नहीं करता, बड़ा खराब सिस्टम है ये। सर अभी हम लोग का 2022 में मतलब क्या लगता है 99% के ऊपर के लिए कितना आना चाहिए, जा सकता है? मिनिमम 250 स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 99 और 99 टच करने का मतलब ऑल इंडिया में 10,000 रैंक लाने के लिए। सर मेंस के लिए जिनकी सर थोड़ी सी मेमोरी पावर वीक है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब किसी के मेमोरी वीक नहीं होती है, ऐसा नहीं है, तुमको 5-5 साल पुरानी बातें याद नहीं है, है सर, बताओ, पर कोई पर्सनल कोई तुम्हारे साथ कुछ हुआ, किसी दोस्त के साथ हुआ है, बातें याद नहीं रहती है, रहती है। तो सर क्यों कह रहे हो मेमोरी वीक है, अगर वीक होती तो भूल जाना चाहिए सब कुछ आदमी को। तरीका सिर्फ ये है कि उसको पढ़ने का तरीका तुम्हारा गलत होगा, गलत टाइम पे पढ़ते होगे। भाई मेमोराइज करने वाले सब्जेक्ट्स हमेशा ये कहे गए हैं कि मॉर्निंग टाइम से पढ़े जाए, वो भी अर्ली मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ करके, उस समय तुम लोग का सोने का टाइम होता है, 4-5 बजे तो तुम लोग लाइट वाइट ऑफ करके सोने जाते हो, फिर उठोगे 11-12 बजे। सर इतना प्रिविलेज नहीं मिलता सर। तो सोने का टाइम सर जल्दी सोने पर सर 2-1.5 बजे नहीं, तो एक्चुअली फैक्ट है ये, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, 4-5 बजे का। हाँ सर सोते 12 बजे सुबह 3:30 का उठना होता है। हाँ तो ये सही है तुम्हारे लिए। नहीं सर पर इससे एडवांटेज नहीं मिल रहा ना सर, मतलब इतना खास मालूम नहीं तो और पहले सोचा। अच्छा ठीक है मान लेते, नहीं 3:30 बहुत जल्दी हो गया वैसे तो, इतना भी जल्दी नहीं सर, क्योंकि मतलब 4 बजे समझते हैं कि वो बाउंड्री लाइन टाइप का होता है, उसके पहले तक मतलब काफी चीजें हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर 3:30 से शुरू करके मान लीजिए 7 बजे या 8 बजे तक कुछ करें तो ठीक रहता है। हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3:30 बहुत जल्दी हो, मैं फिर बोल रहा नहीं, अगर आप 5-6 बजे भी उठ सकते हो तो भी ठीक है, चलता है, इतना नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये भी रहता है ना कि मतलब तब तक पूरा फैमिली सो रहा होता तो सर शांति में ठीक लगता है सर हमको। हाँ वो सबको रखता है ठीक है, लेकिन पता नहीं यार मेरे को तो, मैं तो मुझे खुद कभी याद हुआ और ना मैंने किसी का सुना है किसी ने रात में याद करने वाला काम किया हो, और दिन में आप याद करोगे तो डिस्टर्बेंस इतनी है कि वो कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। रात में अगर आप मान लो लेट नाइट पढ़ने की आदत है मान लो, और केमिस्ट्री पढ़ो 12-1 बजे रात को, नींद नहीं आ जाएगी सर, भयंकर नींद आ जाएगी पहले सर। यस सर, लेकिन वो नींद उसको आती है जैसे केमिस्ट्री पसंद नहीं सर, इनऑर्गेनिक में कभी कभी आती है पर ऑर्गेनिक में उतनी नहीं आती, सबको थोड़ी ना आती है। अरे हमारी आदत नहीं आती है ये अपनी पर्सन, तो इसीलिए तो स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना, सबको एक जैसा थोड़ी बता सकते हैं। मैं जनरल एक बात कही गई है कि मॉर्निंग टाइम याद कर, और ऐसा कहा जाता है कि जब आप शुरुआत करें पढ़ाई की सुबह तो केमिस्ट्री से करें, चाहे आप 7 बजे उठे चाहे 8 बजे उठिए उससे मतलब नहीं, लेकिन शुरुआत आप केमिस्ट्री से कर दें और छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो केमिस्ट्री को, जैसे आप फिजिक्स को लगातार 1-1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हो मान लो, या मैथ्स को पढ़ सकते हो जैसे जैसे इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट में उस हिसाब से। केमिस्ट्री को 1-2 घंटे कौन कह रहा पढ़ने को, आप 1/2 घंटे पढ़ के छोड़ दो फिर ब्रेक लेकर के दोबारा पढ़ लेना उसे। सर इसके मतलब सर ये सब करने बावजूद सर वो एग्जाम टेम्परामेंट बिगड़ जाता है सर पूरा सर, मतलब हमारे हिसाब से सोच रहे हैं कि 2 मिनट हुआ होगा, देखते हैं पूरा 15-16 मिनट गुजर जाता है, वो निकल जाता है एग्जाम में, नहीं मालूम चल पाता है। यस सर एग्जाम में बिल्कुल वो एग्जाम वो हैबिट जान तो कब बनेगी आपकी,
जब आप किस ये सभी सब्जेक्ट्स में होता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो रहा है? सर देखिए होता कुछ ऐसा है कि मतलब जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो इन जनरल फिजिक्स से शुरू करते हैं सर, क्योंकि मतलब ऐसा हमको इंस्ट्रक्ट किया गया कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है मतलब उसको ना ही शुरू में करना चाहिए ना ही बिल्कुल आखिरी में करना चाहिए, दोनों बिगाड़ देता है, क्योंकि एक तो लेंदी होता है सर, आप भी जानते हैं जेई में मतलब टेक्निकली लेंदी आता है मैथ का पेपर पूरा और क्वेश्चन भी नया ही रहता है, तो सर मतलब मैथ्स को तो बीच में करते हैं सर। मेरे साथ सिचुएशन क्या होता है कि कभी मेरा केमिस्ट्री में ज्यादा छूटा रह जाएगा, कभी मतलब बहुत ज्यादा सर मतलब, और फिजिक्स में कभी छूटा रह जाएगा बस पूरा मतलब। और सर उसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने देखा फिजिक्स का सर, वो क्वेश्चन हमने किया होगा हमें आता होगा सर, फिर उसके बावजूद छोड़ेंगे क्योंकि टाइम कम है सर, टाइम प्रेशर हो रहा है, मतलब टाइम नहीं, टाइम आपका प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यस सर टाइम इसका भी पेपर में भी संडे वाले पेपर सर ये ऑप्शन है, बहुत बच्चे पेपर हुआ तुम बहुत नहीं इसका मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए सर कि जैसे पेपर करें तो सर कोई एक सब्जेक्ट को पूरा नहीं करने की कोशिश करें सर, उसमें पांच जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमने कोई इजी इजी जल्दी जल्दी छांटे एक सब्जेक्ट के और फिर दूसरे सब्जेक्ट में एक गए फिर उसका तीसरे में, इस तरह से सारे कवर हो जाते हैं। तो सर मतलब ऐसे सब्जेक्ट देखिए ये बच्चा एक्चुअली जो भी आप लोग कह रहे हो ना ये इसका कोई रूल नहीं है वैसे, तुम जितने लोगों से पूछोगे सब लोग अलग अलग आंसर देंगे इसका। कोई कहता है पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, कोई कहता है पहले मैथ से कर लो, अब लॉजिक्स भी है। सर मेन बात है जितना भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना हम लोग मतलब पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कि सबसे पहले ये कर लेंगे सर, वो सब फेल कर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन करो तो दो मिनट दो, दो मिनट में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, नहीं अभिज्ञान जी ऐसा नहीं होता, वो आपको जानते हो इतना आपको भी आइडिया लग गया होगा इतने दिनों में प्रैक्टिस करके कि जो होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी वर्किंग पहले एक मिनट में समझ आ जाती है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। आप कभी आप बुक के क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन लगा के देखो, आप अगर एक डेढ़ मिनट में अगर आपके मन में थोड़ा भी ना डाउट वाला चीज आ रही है तो 100% गलत ट्रैक पे चल रहे हो सर। और कई बार तो थोड़ा लंबा मेथड यूज कर लेते हैं, मतलब ये होता है और फिर तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है, फिर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ ये हो जाएगा लेकिन गलती से कोई और मेथड यूज कर दिया जो नहीं करना चाहिए था और वो लंबा। हाँ सर जैसे अभी आपने वो पोटेंशियल वाला किया था ना, नहीं वो तो देखो एक अलग चीज है, वो तो मेथड जो आप अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो ना ये एडवांस में फिल्टर हो जाती है, आप मेरी बात समझो, एडवांस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, नहीं होगी ना टाइम की प्रॉब्लम होगी ना मेथड की प्रॉब्लम होगी, उनकी क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस इतनी क्लियर होती हैं, सब समझ में आ रहा था क्या करना है मेरे को। आप लोग क्योंकि अभी जो टेस्ट दे रहे हो ना वो मेंस लेवल पे दे रहे हो, तो कल का पेपर कितने का था सर टोटल? 300 का होगा मेरे ख्याल से, 360 का था सर, 360 का था सर, वो ऑप्शन नहीं दिए थे क्या 30 में से 25 करने वाला है? ये थे नहीं दिए थे सर, नहीं सर तो सारे करने थे सर। चलो मेरी बात सुनो यार, अभी टाइम आज का ज्यादा हो गया, वैसे भाई आप पहले मेंस का तैयारी करो, मेंस की तैयारी के लिए आपको जितने क्वेश्चन लगा सकते हो जहां जहां से लगा सकते हो लगा डालो, और दो तीन बेसिक चीजें ध्यान रखे गए HCV, NCERT और प्रीवियस ईयर कंप्लीट होना चाहिए आपका, फिजिक्स में तुम में से कई लोग बार बार पूछते हो भैया कि थ्योरी जितनी तुम क्लास में कर रहे हो ये मोर देन सफिशियंट है, अगर अगर वाकई में ध्यान से सुना दूसरे साइड बैठ करके तो मोबाइल ऑन करके इधर उधर कर रहे हो उसका उत्तर हम नहीं कर सकते कुछ, अगर वाकई में आपने सुना है और नोट्स बनाए हैं और क्लास के बाद बैठ करके आधा एक घंटा इसके ऊपर इन्वेस्ट करके समझा है अपनी राइट अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं तो ये मोर देन एनफ है, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और किताब की। अब टाइम है आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने, तो बेसिक बता दिया HCV, प्रीवियस ईयर, NCERT, ये तीन हमारा बेसिक है, एड ऑन में एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो अगर इसमें बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो पैकेज भी अपने पास है,
उसके बाद भी अगर पेट नहीं भर रहा आपका तो भाई आप एरोडो लगाएं, अरिहंत वाली सीरीज लगा लें, इसके बाद क्या लगाओगे इसमें? खाली एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना तुम्हें। सर अभी आपने वीडियो नहीं डाले क्या सर क्लासेस के? एक क्लास सब डाले हुए हैं, एक्चुअली सब डाले हैं, वो पब्लिक चैनल पे नहीं आ रहा है वो सर, चैनल वो पब्लिक नहीं किया, मैंने पब्लिक ही नहीं किया। तो सर लिंक भेज दीजिएगा तो लिंक आपको हम भेज देंगे, जो मांग रहा है उसको लिंक भेजते जा रहे हैं। वो सर मुझे भी भेज दीजिएगा सर, मुझे भेज दीजिए प्लीज, मुझे भी चाहिए। इसलिए नहीं किया है कि आउटसाइडर्स उसमें काफी ज्यादा इस समय वो कर रहे हैं डिस्टर्ब, तो ये सर कुछ कमेंट्स मैंने देखी थी, वीडियो वीडियो मांगने लगते हैं आपसे। हाँ पता नहीं क्या है, तो हम उनके लिए थोड़ी वीडियो बना रहे हैं बैठ करके। सर इग्नोर करिए ना सर, कुछ कुछ मैंने डाल दिया करिए ना कमेंट, मतलब आप कमेंट्स को ऑफ कर दीजिए सर। यस सर बेस्ट तो वो है कमेंट्स को ऑफ, हाँ सर डिसेबल कर दीजिए या फिर सर लिंक में डाल दीजिए। ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया उसमें कि भाई वो तो आपको कमेंट कोई कर भी रहा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, पर्पस कुछ और है। लाइव क्लास चल रही है, कोई हमने चैनल के लिए थोड़ी वीडियो बनाई बैठ करके। जो लोग चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं उनका प्रेजेंटेशन ही अलग है पूरा, वो टीचिंग कम है उसमें एक्टिंग ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा। अरे वो बहुत सर, मतलब एक घंटे का वीडियो है तो 20 मिनट तो फालतू का एडवर्टाइजमेंट है, या हमारी टीम बहुत अच्छी है बहुत सर, मेरी सबसे बड़ी गलती 10th में बायजूस से पढ़ना था। अरे मत करना बिल्कुल, और जेई के लिए तो खास तौर पर ना करिएगा, बर्बाद कर देंगे वो लोग। यस सर वो समझ गए सर, टाइप देख के समझ आता है, आधा गलत गलत नहीं, बिल्कुल ना करना बता रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं इस समय। सर वो 10th तक की बायो के लिए अच्छा था, वो पूरा विजुअलाइज करके दिखाता था वही था। हाँ वो अरे विजुअलाइजेशन काम नहीं आती भाई, कुछ काम नहीं आता जेई में, कुछ नहीं काम आता ये सब। हाँ सर वो समझ आ गया था सर, वो एक महीने में ही समझ आ गया। अरे जो आदमी उसका ऐड कर रहा कि समझ आएगा तो मजा आएगा, उसको खुद ही कभी समझ नहीं आया उनका ऐड मतलब कहाँ तुम लोग। खैर हम लोग बात दूसरी कर रहे थे यार, सुनो वो जो आप अभी अगली क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, इसमें कैसे करना है, लेकिन आपको ये कुछ बुक्स बताई हैं मेंस के लिए, अभी से आप अपने टाइट हो जाओ क्योंकि आपके टाइम पर वाकई में टफ होगा एग्जाम, बहुत टफ होगा दो तीन एस्पेक्ट्स की वजह से। एक तो थर्ड वेव का चांस है जो लगातार कहा जा रहा है, और एग्जाम कैंसिल होगा नहीं ये भी मान लो आप, समझ रहे ना, समझ रहे आप लोग कि थर्ड वेव की वजह से जैसे आपका सेकंड वेव आया इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, सेकंड वेव में 4 अटेम्प्ट करने पड़ गए, थर्ड अटेम्प्ट में अगर बिल्कुल इससे ज्यादा भयंकर स्थिति हुई अगर तो 4 की जगह 6 अटेम्प्ट कर दें और पेपर और ज्यादा डाइल्यूट कर दें। प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की जनरेशन को ज्यादा इस बार इफेक्ट करेगा थर्ड वेव। हां तो अब वो प्रेडिक्शंस हैं, भगवान जाने कितना सही है, लेकिन कहा तो जा रहा है यार कि मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास तक थर्ड वेव का पीक आएगा। तो मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट मिले तुम्हें, फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी मिले उसी को अपना फाइनल एग्जाम मान के कहानी खत्म कर दो, बाकी 12 भी है ऊपर बाकी अटेम्प्ट ना करें क्या जरूरत है यार, 99.5 आ गया आप चुप बैठे रहो, बाकी पेपर दो ही बस। जी सर। सर एक एडवाइस लेनी थी सर। सर जैसे जिस दिन क्लास नहीं होती है सर उस दिन जैसे सर सुबह तो केमिस्ट्री कर लेता हूं सर, फिर सर उसके बाद जैसे मैथ या फिर फिजिक्स में सर कोई एक चीज करते हैं सर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो सर दोनों में से एक चीज थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है सर, उसके लिए क्या करें मतलब पहले करना चाहिए? ऐसा देखो हम क्या तुम्हारे बोलने पर हम कुछ बोल देंगे, मान लो आंसर दे देंगे कि भाई पहले ये कर लो, रियलिटी बता रहा हूँ कि इसका आंसर तुम ही दे सकते हो और कोई नहीं दे पाएगा, किसी बच्चे के लिए कोई आंसर नहीं कर सकता कि मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए। नहीं सर जैसे कि कोई अगर टफ क्वेश्चन सुनिए तो जैसे कोई टफ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए फिजिक्स में ही फंस गया तो लगता है उसमें 10 मिनट और दे दें, 10 मिनट और फिर जब वो हो जाता है तो नहीं सर उसको छोड़ देना चाहिए सर, मतलब अटेम्प्ट ऐसे करना चाहिए कि एग्जाम दे रहे हैं। हां यही तो बोलो कि ये तो गलती आप लोग घर पे कर रहे हो कि घर पे जब आप एक तरह का ईगो होता है सर कि मतलब टफ क्वेश्चन फिर और ये हां तो ये ईगो एग्जाम में बर्बाद कर देगा आपको। यस आपको घर पे यही आदत डालनी है, नहीं हुआ क्वेश्चन छोड़िए बाद में सुबह उठ के ट्राई करें।
किसी और टाइम करना है, उस टाइम पर छोड़ दो इसे। वो क्या करता है ना, आपके सबकॉन्शियस में चलता रहता है दिमाग में, बिल्कुल चलेगा, डिस्टर्ब तो करता है, डिस्टर्ब नहीं करता वो, जान तो क्या करेगा एक्चुअली, आपकी पूरी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है उस टाइम पर। अगर आप लगातार दो क्वेश्चन में स्टक कर जाओ तो जो एनर्जी लेवल बना होता है, मोमेंटम जो बना होता है हमारे पढ़ाई करने का, और ब्रेन की वर्किंग एफिशिएंसी वो डाउन होती है। उसके बाद आगे के आधे घंटे जो आप पढ़ोगे ना, वो बहुत स्लगिश मोड में रहोगे, आलस आएगी, कभी अजमा के देखिएगा, वो सब मतलब मन नहीं करता और चिड़चिड़ापन आने लगता है। आप क्वेश्चन छोड़ते चले जाओ, आप एक तो हैप्पी रहोगे और आपकी ये हैबिट बनती चली जाएगी, और ऐसी हैबिट हो जाएगी कि एग्जाम में आपको मतलब ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमारी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाने वाली। मतलब वो फटने वाले क्वेश्चन को बाद में करना है, जब मेन गोल पूरा हो जाए। हाँ, उस टाइम पे छोड़ना है। यस सर, उस टाइम बड़े बड़े प्लेयर अगर मान लो उनको ये ईगो ले ले कि आने वाले बॉलर की हर एक बॉल को मैं मारूंगा, फिर तो खेल चुके हैं वो भी। जब देखते हैं कि बॉलर बहुत बढ़िया आ रहा है इस टाइम पर, तो वो भी अटैकिंग बैट्समैन पे डिपेंड करने लगता है। टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे? टेस्ट मैच छोड़ो, T20 में डिफेंड करने आ जाते हैं लोग। भाई आपको कैसे आप एक कॉमन स्ट्रेटजी बना सकते हो? अगर आप HCB का चैप्टर लगा रहे हो तो स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 मिनट लगने चाहिए, लेकिन अगर आप आखिरी के 10 क्वेश्चन कर रहे हो अगर उनके, तो एक्सपेक्टेड टाइम 3-4 मिनट का हो जाता है वहां पर। अगर वहां 15-15 मिनट लग रहे हैं और आप 15-15 मिनट में 5 क्वेश्चन करके उठ गए, तो आपने 75 मिनट दे भी दिए 5 क्वेश्चन किए, इसको बेवकूफी कहा जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम इसको कहा जाएगा। आप एक क्वेश्चन के मल्टीपल अटेम्प्ट करें, 5 बार करिए उस क्वेश्चन को, लेकिन सेम टाइम पर नहीं, अलग अलग टाइम पर। आप पढ़ाई से उठ गए, बाहर टहलने चले गए, खाना खा रहे, टीवी देख रहे, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा, कभी ना कभी आइडिया क्लिक कर ही जाएगा उसका, अपने आप कर जाएगा। यस सर, अचानक से कर जाता है वो, करता है अचानक। अगर वो दिमाग में बैठा है ना, तो कभी ना कभी तुमको उसका सोल्यूशन स्ट्राइक करेगा, और फिर भी नहीं कर रहा, फिर तो आपको किसी से पूछ लेने में ज्यादा फायदा है। बट एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट दो उसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, सेम टाइम पर नहीं। आप लोग क्या करते हो, एक ही टाइम पर 3-4 अटेम्प्ट कर देते हो, फिर कहते हो गया जी, क्योंकि जब पहली बार नहीं हुआ और उसी टाइम आपने सेकंड अटेम्प्ट किया, उसी टाइम थर्ड अटेम्प्ट किया, तो बार बार तुम्हारा ब्रेन वही काम करेगा जो पहले अटेम्प्ट में किया है। कुछ नया सोचोगे, कुछ गलत ही कर रहे हो, तो फिर वो गलत चीज भी सॉलिडिफाई हो जाती है एकदम दिमाग, वो दिमाग में बैठ जाएगी, वो दिमाग, वो इंस्ट्रक्शन मिल गया उसको, सर वही वो बर्बाद कर देता है एकदम, छोड़ दे, तुरंत छोड़ दीजिए उसको, आदत बना लो, नहीं करेंगे इस टाइम पर, बाद में करेंगे। और कौन तुम्हें फांसी पर लटका रहा है वहां पर बैठ के यार? हैबिट्स बहुत बड़ी चीज है नॉलेज से ज्यादा। प्रॉपर हैबिट्स बन जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे। हैबिट्स नहीं बनी तो आप जितने बड़े नॉलेजेबल रहिए रखे रह जाएंगे। चलो भाई, 8:30 हो गए यार, है ना, अगली बार मिलते हैं फिर बात करते हैं और इसके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।